हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है, साइंस की बुक, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी कि कक्षा 6 की विज्ञान की बुक। तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चे इसको कम्प्लीट देख सके। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ट्रांसलेट करूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो, या वो बच्चे जो ना तो ज्यादा इंग्लिश में कंफर्टेबल हो पाते हैं ना कुछ हिंदी टर्म्स में भी, तो उन लोगों के लिए भी कुल मिला के कोशिश रहेगी कि आप सभी इस वीडियो को समझ सके और देख सके। तो इस वीडियो में चैप्टर बाय चैप्टर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। तो अगर कोई क्लास 6 का स्टूडेंट है तो भी इसको रेफर कर सकता है समरी के लिए, या फिर एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस तो आप लोग जानते ही हैं, चाहे एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी टीचिंग एग्जाम, या आपका सब्जेक्ट ही साइंस है पीजीटी में, या इसके अलावा अगर आप यूपीएससी पीसीएस जैसी एग्जाम भी दे रहे हैं तो भी आपके लिए साइंस एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का एक अपना ही अलग इंपॉर्टेंस होता है। तो क्लास 6 की साइंस की समरी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें, उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं, तो आपको इजीली सारी पॉइंट्स याद रह जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको किसी बुक से किस तरीके से नोट्स बनाने होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको कवर करने होते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि कोई भी पॉइंट ना छूटे, क्योंकि कोई भी पॉइंट्स किसी भी एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिल जाता है, जो आप छोड़ते हैं वही आपको कई बार मिल जाता है, तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे आगे ऐसी इस सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी की बुक्स, तो वो भी आपको मिल जाए। तो इसके अलावा ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी आपको मिल जाएगी चैनल पर, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर क्या कहता है। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, जो खाना हम खाते हैं आखिर आता कहाँ से है। तो द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। तो जो मुख्य स्रोत है खाने के वो क्या होते हैं, या तो पेड़ पौधों से हम खाना लेते हैं या फिर जीव जंतुओं से, इन्हीं दो चीजों पर हम निर्भर रहते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं वो मुख्य स्रोत हैं अनाज का, सब्जियों का, फल का, तो इनसे हमें ये चीजें मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीव जंतुओं की, तो जीव जंतुओं से हम अंडा, दूध, जो है आपका मीट प्रोडक्ट्स, यानी कि मांस, मछली, ये सब हमें मिलता है। तो दूध देने वाले जीव जंतु जैसे कि गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है, बकरी से मिलता है, तो ये कुछ दूध देने वाले पशु हैं। तो सम प्लांट्स हैव टू मोर एडिबल पार्ट्स, सीड्स ऑफ मस्टर्ड and the leaves are used as a vegetable. तो अगर कुछ पेड़ पौधे आप देखोगे तो कुछ पौधों के एक से ज्यादा पार्ट भी खाने लायक हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम सरसों का, तो सरसों के बीजों से हम क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं, हम यूज करते हैं अपने घरों में सरसों का तेल। और इसके अलावा जो उसके पत्ते होते हैं उसके लिए हम उससे हम क्या करते हैं, हम वेजिटेबल बनाते हैं, जो हम हरा साग बेसिकली बोलते हैं, जिसको हरी सब्जी जो बनाते हैं, तो वो हम किससे बनाते हैं, इन्हीं पत्तों से बनाते हैं, सरसों के पत्तों से, तो उसमें यूज करते हैं। तो एक से ज्यादा पौधा जो पार्ट है इसके हम यूज कर सकते हैं। Bees collect nectar, sweet juice from the flowers and convert it into honey and store it in their hives. तो जो मधुमक्खियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो नेक्टर कलेक्ट करती है, और नेक्टर क्या है, बेसिकली मीठा जूस जो फलों से होता है, जो फलों से वो मीठे जूस को एक कलेक्ट करती हैं और फिर उसको कन्वर्ट करती हैं वो हनी में, यानी कि शहद में, और फिर वो उनके अपने बिलों में उनको स्टोर करती है, हीव्स में वो उनको स्टोर करती हैं। तो अब कुछ एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, तो शाकाहारी हम उनको बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। ऐसे भी जीव जंतु जो सिर्फ जीव जंतु को हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी। एनिमल्स विच ईट बोथ एंड अदर एनिमल आकार ओमनिवोरस, सर्वाहारी। सर्वाहारी आप किसको बोलोगे, जो पेड़ पौधों पर भी निर्भर करते हैं और जो जीव जंतुओं पर भी, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन भी है और जो वेजिटेरियन भी है, एक तरीके से इसी कैटेगरी में आते हैं। जो वेजिटेरियन खाते तो वो वेज तो खाते ही हैं, तो वो सर्वाहारी की कैटेगरी में आ जाते हैं।
आते हैं हम चैप्टर नंबर टू। चैप्टर वन में इतना ही है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप देखेंगे चैप्टर वन एनसीईआरटी खोल के भी तो इतना सा ही है। अब जाते हैं हम चैप्टर टू की कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स कंटेन कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो इंग्रेडिएंट्स जो हम बोलते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी शरीर के लिए जरूरी होते हैं। इन कंपोनेंट्स को आप क्या बोलते हो, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स बोलते हो किसको, जो खाने में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, आई गेस पोषक तत्व। तो द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, जो पोषक तत्व जो मेनली होते हैं हमारे फूड में, वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, फैट यानी कि विटामिन एंड मिनरल्स, मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ। इनके अलावा, इन एडिशन, फूड आल्सो कंटेन्स डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर। इसके अलावा डाइट्री फाइबर्स भी होते हैं और क्या होते हैं, और पानी भी होता है। तो अगर आपको टेस्ट करना है कि किसी फूड में क्या है या उस वो न्यूट्रिएंट है, वो पोषक तत्व है, तो आप कैसे टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट है फॉर वेरियस न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट इन फूड। तो अलग अलग पोषक तत्व के लिए आप कैसे टेस्ट करेंगे, तो आप टेस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो खाने में होता है, फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, वो स्टार्च के रूप में होता है और शुगर के रूप में होता है। तो आप जो बेसिकली टेस्ट करोगे वो किसका करोगे, स्टार्च का करोगे। तो स्टार्च का टेस्ट करने के लिए आप यूज करते हो, उस टेस्ट का नाम क्या है, आयोडीन टेस्ट। तो इसमें आप आयोडीन यूज करते हो। अगर आप उस खाने के पदार्थ में आयोडीन की कुछ मात्रा डालते हो, कुछ बूंदे डालते हो, तो उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। तो ये ब्लू ब्लैक कलर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको प्रोटीन के लिए टेस्ट करना है, तो अगर आपको प्रोटीन के लिए टेस्ट करना है तो कुछ बूंदे आपको कॉपर सल्फेट और कुछ बूंदे अगर आप कॉस्टिक सोडा की डालेंगे और वो वायलेट कलर में हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसमें प्रोटीन है। फैट्स, वसा, आप जानते हैं, आप समोसे खाते हैं, भटूरे खाते हैं, ऐसी चीजों में क्या होता है, फैट होता है। तो फैट का क्या है, बेसिकली ऑयली पैचेस हो जाते हैं उन पेपर व्हेन रैप्ड अराउंड। तो जब ऐसी चीजें रैप करके हुई आती हैं, समोसे अगर आपके रैप करके आते हैं, कोई भी ऐसी ऑयली चीजें जो आप रैप करके लेके आते हो, देखते हो कि पेपर पे क्या हो जाता है, ऑयली ऑयली हो जाता है, तो वो क्या है, बेसिकली उसमें क्या है, फैट है। What do various nutrients do our body? तो जो अलग अलग पोषक तत्व हैं, वो बेसिकली हमारी बॉडी के लिए करते क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या प्रदान होती है, एनर्जी, हमें शक्ति मिलती है। और जो राइस है वो मेन कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स का, जो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, राइस। अगर आपसे पूछे जैसे सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स किसमें मिलता है, तो एक राइस में, चावल में मिलता है। फैट्स, वसा आपको क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। और आपको इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि इक्वल क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स की और इक्वल क्वांटिटी अगर आप फैट्स की लेंगे, तो आपको एनर्जी किसकी मिलेगी ज्यादा, फैट से मिलती है। लेकिन फिर भी हम फैट ज्यादा नहीं लेते, हम क्या लेते हैं अपनी डेली रूटीन में, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लेते हैं, क्योंकि फैट हमारे लिए नुकसानदायक होती है, उसे एनर्जी तो मिलती है लेकिन उसके कुछ जो है साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। अब आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी दे रहा है, आपको शक्ति प्रदान कर रहा है, उसी तरीके से आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, वसा, दोनों ही आपको क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ऊर्जा देने वाले फूड। तो इसको आप क्या बोलेंगे, एनर्जी गिविंग फूड्स, या हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे ऊर्जा देने वाले भोजन है ये, कार्बोहाइड्रेट्स भी और वसा भी। विटामिन ए की अगर हम बात करें, तो विटामिन ए हमारी हेल्दी आई के लिए भी जरूरी है और स्किन के लिए भी जरूरी है। आपको पता होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी या अंधराता जिसको हम बोलते हैं, आपको रात में कम दिखाई देने लग जाता है, कई बार आपको रात में दिखाई देना भी बंद हो जाता है। तो हमारी हेल्दी आईज के लिए, हेल्दी स्किन के लिए विटामिन ए जरूरी है। अब विटामिन ए मिलता कहाँ से है, विटामिन ए आपको मिलता है फिश में यानी कि मछली में, मिल्क यानी कि दूध में, कैरेट यानी कि गाजर में। तो इसमें आपको क्या मिलता है, विटामिन ए। उसके बाद बात करते हैं हम विटामिन सी की। विटामिन सी हमें हेल्प करता है इन फाइटिंग अगेंस्ट डिसीजेस, तो आपको रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है विटामिन सी। विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है, खट्टे पदार्थों से मिलता है, जैसे लेमन यानी कि नींबू, ऑरेंज यानी कि संतरा, टमाटो यानी कि टमाटर, तो इनसे आपको क्या मिलता है, विटामिन सी।
अब बात करें अगर विटामिन डी की, तो विटामिन डी हैज बॉडी यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। आप कैल्शियम तो ले लेते हो दूध से, लेकिन उसकी मदद कौन करता है कि कैल्शियम जो बोन्स है, हमारी हड्डी है, हमारे दांतों के लिए यूजफुल हो, उसको यूज करने में मदद कौन करता है? विटामिन डी मदद करता है। तो विटामिन डी का सबसे मेन सोर्स क्या है? सन, और उसके अलावा फिश, बटर, मिल्क, आपका एग। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। बटर मिल्क यानी कि जो आपकी लस्सी, छाछ, मछली और अंडों से आपको क्या मिलता है? विटामिन डी। अब बात करें अगर प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन हमारे लिए जरूरी है। जब आप जिम जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, कि आपने सुना हो क्या यूज होता है, तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का भी मैंने यहाँ पर, इसलिए बॉडी बिल्डिंग मतलब क्या, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, टूट फूट के लिए, मरम्मत के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए क्या जरूरी होता है? प्रोटीन जरूरी होता है। सबसे रिच सोर्स क्या है? एग यानी कि अंडे, पनीर ले सकते हैं आप, फिश यानी कि मछली, और सोयाबीन से भी क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। अब बात करते हैं हम डाइटरी फूड्स। ये डाइटरी फूड्स क्या होते हैं? डाइटरी फूड्स को हम रफेज भी बोलते हैं। डाइटरी फूड्स को हम क्या बोलते हैं? रफेज। तो रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो रफेज जो है बेसिकली हमारे प्लांट्स प्रोडक्ट्स में आपको मिलता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में आपको मिलेगा, अनाज में मिलेगा, दालों में मिलता है, फ्रेश फ्रूट्स में मिलता है, आलू में भी मिलता है। तो नाम है रफेज मिलता है। तो रफेज क्या जरूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए, क्यों, क्या फायदा होता है इनका? तो दे हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको शरीर से बाहर निकलने में कौन मदद करता है? कौन मदद करता है? रफेज। तो वाटर भी एक रफेज है। तो वाटर क्या है? एक रफेज ही है, क्योंकि वाटर क्या करता है? हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है खाने से, उनको एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है पानी, और उसके साथ हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी। और जो हमारे शरीर के अंदर वेस्ट हो जाता है, उस यूरिन के जरिए या फिर स्वेट यानी पसीने के जरिए उसको क्या करता है? बाहर निकालता है शरीर से। अब बैलेंस डाइट आपने टर्म सुनी होगी। तो बैलेंस डाइट होती क्या है आखिर? क्या है बैलेंस डाइट? सो नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। अगर आप चाहते हैं आपकी शरीर की अच्छी जो है अच्छे से वृद्धि हो, अच्छे से मेंटेन रहे, यानी कि मरम्मत आपकी अच्छे से रहे, आपकी कोई भी टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत अच्छे से हो, आपकी एक अच्छी हेल्थ रहे, तो उसके लिए आपको क्या जरूरी होता है? बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या है? Diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. Should also have a contain a good amount of rafaze and water. आपकी body, आप अब खा तो सारी चीजें रही हैं, आपने सभी पोषक तत्व ले लिए, कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए, विटामिन्स ले लिए, प्रोटीन ले ली, वसा ले लिया, तो आपने सारी चीजें ले ली, क्या उससे आपका शरीर सही रहेगा? क्या वो एक बैलेंस डाइट है? उसके साथ साथ आपको कुछ खनिज पदार्थ जो जरूरी होते हैं और पानी की मात्रा भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ खाने खाने की चीजों को आप लेते हैं और पानी की कमी हो जाती है, तो भी डिहाइड्रेशन, आपने सुना ना कि डिहाइड्रेशन हो गया, तो क्या है? बेसिकली पानी, मिनरल्स, जो भी खनिज पदार्थ है और उसके अलावा जो भी पोषक तत्व है, सभी अगर उचित मात्रा में होंगे तभी बनती है एक बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। अब अगर हमने बात की थी ऊपर कि आप फैट से भी आपको एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर आप इक्वल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, इक्वल क्वांटिटी में आप फैट ले रहे हैं, तो एनर्जी आपको किससे मिलेगी? आपको फैट से ज्यादा मिलती है। लेकिन अगर आप टू मच फैट खा लेते हैं, ज्यादा वसा खा लेते हैं, तो क्या हो जाता है? ओबेसिटी हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी पोषक तत्व आप बहुत कम खाते हैं, उचित मात्रा में नहीं ले पाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? उससे हो जाता है डेफिशिएंसी, डिसीजेस, रोग हो जाते हैं। अब क्या रोग हो जाते हैं वो भी देख लेते हैं हम। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से हो जाता है लॉस ऑफ विजन, यानी कि आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है, पुअर विजन हो जाती है, आपको कम दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, यानी कि आपको अंधेरे में कम दिखना शुरू हो जाता है, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कई कुछ कुछ केसों में तो अगर आपकी विटामिन ए की मात्रा बहुत ही कम है, अगर आप नहीं लेते हैं, तो जो है कंप्लीट लॉस हो जाता है विजन का, आपको दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी वन, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, और बेरी बेरी रोग हो गया तो आपको क्या होगा? वीक हो जाएंगे आपकी मसल्स और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क।
तो आपको जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी और आपको बहुत ही कम एनर्जी मिलेगी, कम बहुत ही एनर्जी में लो फील करोगे आप किसी भी काम को करने के लिए। आगे बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी में क्या होता है, सक्कर्मी हो जाता है विटामिन सी की कमी से। अगर विटामिन सी की कमी से आपको सक्कर्मी हो गया तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग गम्स, वंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि आपका जो खून है वो जमने में टाइम लेगा, जो जख्म है वो भरने में टाइम लेंगे। विटामिन डी की कमी होने से रिकेटस हो जाता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, जो आपकी हड्डियां हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, वो मुड़ जाती हैं, तो ये विटामिन डी की कमी से। कैल्शियम, कैल्शियम माना जाता है आपके बोन्स एंड टूथ डिके हो जाता है, तो क्या होगा बेसिकली आपकी बोन्स कमजोर हो जाएंगी, आपके दांत जल्दी टूट जाते हैं, तो ये सब चीजें किससे की कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से। आगे बात करें आयोडीन, आयोडीन की कमी से आपने गाइटर रोग सुना होगा, तो आयोडीन हमें किससे मिलता है, नमक से मिलता है। तो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्लोवन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, तो जो आपने कई बार देखा होगा ना पिक्चर्स में, जब गले पे कुछ एक बेसिकली एक अलग सी गांठ से बन जाती है और नीचे लटक जाती है, तो वो गाइटर होता है, तो गाइटर जिसको हम बोलते हैं। और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है अगर आयोडीन की कमी है तो। आयरन, आयरन की कमी से हो जाता है एनीमिया, आयरन यानी कि लोहा, लोहे की कमी से एनीमिया, और उससे क्या होगा, वीकनेस आ जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो टर्म्स आपको याद होनी चाहिए कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये वाले क्वेश्चंस आपको इजीली एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लिए तो दूसरा चैप्टर था हमारा, अब हम आ जाते पर थर्ड चैप्टर है हमारा फाइबर्स टू फैब्रिक की, फाइबर से आप फैब्रिक कैसे बनाते हो। फाइबर एक छोटी टर्म है फैब्रिक की, तो जानेंगे हम नीचे कि क्या फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है, ठीक है। लूज थ्रेड और यार्न, जो आपके लूज थ्रेड होते हैं उनको हम बेसिकली बोलते हैं यार्न। ए फैब्रिक इज मेड ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर, जो फैब्रिक है, जो भी आपका कोई भी कपड़ा है, बेसिकली क्या होता है उसमें जो यार्न्स होते हैं, जो छोटे छोटे थ्रेड के धागे के टुकड़े होते हैं, उनको बेसिकली एक पैटर्न में अरेंज किया होता है, और तब क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, आपका पूरा कपड़ा बन जाता है। यार्न स्प्लिट्स इनटू थिन स्ट्रैंड्स, अगर आप एक धागा भी अगर आप लोगे, उस धागे के भी आप मल्टीपल धागे कर सकते हो अगर आप उसको खींच के देखोगे तो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अभी सर्दियां हैं तो अगर आपने कोई भी सर्दियों में आप स्वेटर पहनते हो, उसमें ऊन आप देखते हो, अगर ऊन के धागे को आप खींचोगे तो वो निकल जाएगा, तो वो क्या हुआ आपका, वो हुआ आपका यार्न। और यार्न को भी आगे आप उसमें और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हो, तो वो बेसिकली थिन स्ट्रैंड्स होंगे, जब आप एक ऊन के टुकड़ों को भी काफी देख सकते हो। और एग्जांपल अगर आपको लेना है तो आप जब सुई में धागा डालते हो तो धागा तो कितना पतला होता है, तो जब आप सुई में धागा डालते हो कई बार वो डलता नहीं है, आगे देखोगे उसमें चार पांच धागे निकलाते हैं, तो वो लिटिल स्ट्रैंड्स हो जाते हैं आपके, लिटिल थिन स्ट्रैंड्स हो जाते हैं। तो द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट आर मेड अप ऑफ स्टील थिनर थ्रेड्स आर कॉल्ड फाइबर्स, और जो बेसिकली वो और छोटे छोटे जो धागे होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइबर। तो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, तो जो फाइबर है, जो कपड़ा है वो बना होता है यार्न से, यानी कि लूज थ्रेड से, धागों से, और धागे को अगर आप उसको और धागों को आप खींचोगे उससे थोड़े और धागे निकलेंगे, वो होते हैं फाइबर। अब देख लेते हैं कि क्या क्या फाइबर होते हैं, कहां कहां से मिलते हैं। तो फाइबर होते हैं दो तरह के, एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक, सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम या अप्राकृतिक। तो दी फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। कुछ फाइबर ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हम इजिली पेड़ पौधों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन, कॉटन का पेड़ आपने देखा होगा, जूट, सिल्क, वूल। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे पौधों से ही हो, जरूरी नहीं कि सारे जीव जंतुओं से ही हो, तो आप पेड़ पौधों से भी इनको प्राप्त कर सकते हो, आप जीव जंतुओं से भी प्राप्त कर सकते हो, तो ये है हमारे नेचुरल फाइबर्स यानी कि प्राकृतिक फाइबर्स हैं ये। कॉटन एंड जूट आर दी एग्जांपल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से आपको मिलता है कॉटन और जूट, ये मिलते हैं पेड़ पौधों से। अगर हम बात करें ऊन की या फिर सिल्क फाइबर्स की, तो ये हमें मिलते हैं एनिमल्स से, वूल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स। वूल ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ सीप और गोट, आप जो आपने भेड़ देखी होंगी, भेड़ से हम ऊन प्राप्त करते हैं आपने देखा ही है, तो भेड़ से हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, योक एंड कैमल्स, इसके अलावा कहाँ से ऊन मिलती है, बकरी से, खरगोश से, योक से और ऊंट से, इनसे भी हमें क्या मिलती है,
ऊन मिलती है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम कोकोन ऑफ सिल्क वॉर्म, और जो सिल्क वॉर्म सिल्क होते हैं तो सिल्क के रेशमी रेशम के बेसिकली कीड़े होते हैं जिनके कोकोन से हमें क्या मिलता है, रेशम मिलता है। सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। वो सब्सटेंसेस जो ना तो पेड़ पौधों से मिलते हैं ना जीव जंतुओं से मिलते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर यानी कि कृत्रिम फाइबर्स। तो उसके एग्जांपल क्या है, जैसे पॉलिस्टर आप पहनते हैं, नाइलॉन का कपड़ा, एक्राइलिक, तो ये सब क्या है बेसिकली, एक्राइलिक इज आर्टिफिशियल वूल टाइप्स, तो एक्राइलिक है वो। अब बात करते हैं वन बाय वन। तो कॉटन, कॉटन आपको कैसे मिलता है, कॉटन है पौधों से मिलता है, ये आपने पढ़ लिया। तो ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सोयल वार्म क्लाइमेट, जहां पर गर्म जलवायु होगी वहां पर मिलेगा, और जहां पर काली मिट्टी होगी ऐसे जगह पर इजिली आपको कपास देखने को मिलेगा। फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन बोल जो उसका फल होता है बेसिकली, तो ये बात भी आपको याद रखने की जरूरत है, कॉटन आपको कहाँ से मिलता है, फल से मिलता है। तो कॉटन प्लांट का जो कपास के पौधों पर जो कपास का फल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, कपास के एक बोल बोलते हैं बेसिकली। तो आफ्टर मैच्योरिंग द बोल्स बर्स्ट ओपन, जब वो मैच्योर हो जाता है, जब अच्छे से पक जाता है, तो ये पहले क्या होता है, एक बंद तरीके से होता है, फिर वो ब्रस्ट हो जाता है, वो खुल जाता है। तो आपको दिखेगा कॉटन दिखती है, उसके चारों ओर से आपको एक सूखी पत्ती उसकी टाइप से दिखेगा, तो वो ओपन हो जाता है बेसिकली। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड, और इन बॉल से बेसिकली क्या होता है, ज्यादातर कपास को हाथों से चुना जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग, और फिर जो बीज है उनसे बीजों से सेपरेट कर लिया जाता है फाइबर्स को, कैसे, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिंग। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, कपास के गिनिंग करना भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं जूट की। तो जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जूट फाइबर हमें मिलता है जूट प्लांट के स्टेम से, यानी कि तने से हमें मिलता है। कपास हमें कहां से मिल रहा था, फल से, और जूट हमें कहां से मिल रहा है, तने से मिल रहा है। कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन, जो रेन का सीजन होता है, बारिश का मौसम होता है, उस टाइम पे ये जोता जाता है। मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ज्यादातर आपको मिलेगा ये पश्चिमी बंगाल में, बिहार में और असम में। हार्वेस्टेड वन इट इज एट फ्लोरिंग स्टेज, जब वो फूल की स्टेज में होता है तो उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तब उसकी कटाई होती है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज, द स्टेम्स रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। क्या होता है कि उसके तने को, जो काटा हुआ तना है, उसको पानी में भिगो के रखते हैं कुछ दिन, पानी में डुबो के रखते हैं, उसके बाद वो जो स्टेम है वो पक जाता है, उसमें जो फाइबर्स होते हैं उसको हाथ से सेपरेट कर लिया जाता है। अब देखते हैं कि फ्रॉम फाइबर से फैब्रिक तक बनने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, अगर आप यार्न से फाइबर बना रहे हो तो उसको तो हम बोलते हैं स्पिनिंग। तो आपको याद होना चाहिए, अब हम यार्न किसको बोलते हैं और फाइबर किसको बोलते हैं, ठीक है। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग, और जो स्पिन करने के लिए आप यूज करते हैं डिवाइस, वो क्या है, एक हैंड स्पिंडल यूज करते हो, जिसको आप टकली बोलते हो। इसी तरीके से चरखा भी एक एग्जांपल है। तो पहले है वीविंग। वीविंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग होता है जब दो या दो से ज्यादा को आप जो है यार्न्स को टुगेदर एक पैटर्न में आप उसको अरेंज करते हो, तो उसको हम बोलते हैं वीविंग। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, जैसे कि लूम्स तो आपने देखा होगा, जैसे आप दरी बनाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा दरी टाइप सा, तो कारखाने में जब आप देखते हैं लूम्स जिसको बोलते हैं, तो वहां पे होते हैं वीविंग। नीटिंग, नीटिंग आपने देखा होगा घरों में, जो औरतें होते हैं वो बनाती हैं, स्वेटर बनाती हैं, ठीक है, क्रोसिए से, सिलाई से, तो वो क्या करती है, एक ही पीस का फैब्रिक यूज करती है, एक ऊन का गोला लेती है और उसी से बनाती रहती है, तो नीटिंग होता है वो। अब एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ये है स्पिनिंग, जो कातना बेसिकली इसको हम बोलते हैं, तो चरखे से ये कातना का एग्जांपल है। वीविंग, इसमें आप देख सकते हो दो कलर है, एक ये लाइट कलर दिख रहा है, एक डार्क कलर, तो इसको आप इस पैटर्न में अरेंज करोगे दो या दो से ज्यादा को, तो ये वीविंग हो गया। नीटिंग, जो ये एग्जाम्पल आप घरों में देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर थर्ड, अब बात करते हैं हम चैप्टर फोर की। शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, कि आप जो मटेरियल्स हैं उनको कैसे ग्रुप करते हो, कैसे आप समूह बनाते हो मटेरियल्स का, पदार्थों का। तो ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जो हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं।
डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, हर एक मटेरियल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है. वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस फॉर विच ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज. अगर आपको कोई भी चीज बनानी है तो आपको किस लिए वो यूज करनी है, क्या चीज बनानी है, किस पर्पस के लिए बनानी है, उसी के बेसिस पर आप किसी पदार्थ का चयन करते हो. एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको पानी डालना है तो आप पानी के लिए क्या प्लास्टिक की बोतल लोगे, कांच की बोतल लोगे, तांबे की बोतल लोगे, या कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें से पानी ना रिसे, ठीक है, या मिट्टी की बोतल भी हो सकती है, ठीक है ना, लकड़ी की बोतल भी हो सकती है. तो आप ऐसी चीजें लोगे जिसमें से पानी ना रिसे, तो आप वहां पर कपड़ों का चयन नहीं करेंगे, आप वहां पर कपड़ों की बोतल तो नहीं बनाएंगे. तो इसीलिए जब भी आप किसी भी चीज को बनाते हैं, किसी भी वस्तु को बनाते हैं, तो उसके पदार्थ का चयन आप बड़ा ही सोच समझ के करते हैं कि आप उसको किस तरीके से यूज करने वाले हैं. अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, पदार्थों की. पहला है अपीयरेंस. अपीयरेंस यानी कि उसकी जो दिखावट है. तो मटेरियल्स हैव लस्टर, लस्टर होता है, लस्टर को बोलते हैं बेसिकली शाइन, यानी कि चमक. तो मटेरियल में, कुछ मटेरियल में चमक होती है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है. तो इनमें अगर आप देखोगे तो इनमें क्या होता है, एक अलग तरीके से चमक होती है. इसको हम चमक को क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं. हार्डनेस, हार्ड है कि सॉफ्ट है, कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं. मटीरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट. जो इजिली हम उनको दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, या फिर आप उसको स्क्रैच कर सकते हैं इजिली, तो उन मटीरियल को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मटीरियल. व्हाइल सम अदर मटीरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड. जिसको आप इजिली कंप्रेस नहीं कर पाते वो क्या है, हार्ड मटीरियल है. जैसे कॉटन है, आप उसको कंप्रेस कर पाते हो. स्पॉन्ज है, उसको भी कंप्रेस कर पाते हो, तो वो क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है. अगर एग्जांपल है हम आयरन का, स्टील का, तो आप क्या कर पाते हो इतना इजीली, नहीं, तो वो क्या है, हार्ड मटेरियल है. सोलिबिलिटी, यानी कि पानी में डिजोल्व हो जाता है कि नहीं, डिजोल्व होने का मतलब सोलिबल है कि नहीं, मतलब अगर आप उसको पानी में डालोगे तो वो बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा, वो पानी में बिल्कुल मिल जाएगा. तो जैसे नमक सोलिबल है, चाक का पाउडर सोलिबल नहीं है, ठीक है. फ्लोट और सिंक इन दी वाटर, कि कोई पदार्थ पानी में तैरता है या डूब जाता है. तो सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस, अदर्स मे हैव संक टू द बॉटम. कुछ पदार्थ ऐसे जो पानी में मिक्स नहीं हो सकते तो वो ऊपर तैर भी लेते हैं, और कुछ जो है भारी होते हैं अगर पानी से तो नीचे भी चले जाते हैं, डूब जाते हैं पानी में. ट्रांसपेरेंसी, की कितनी पारदर्शिता है. दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. कोई भी सब्सटेंसेस है, कोई भी मटेरियल है जिसके थ्रू आप चीजें देख सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट. एग्जांपल के लिए ग्लास, ग्लास में से आप देख सकते हैं, वाटर में से देख सकते हैं, पानी में से, एयर यानी कि हवा से आप देख सकते हैं, तो ये क्या है, बेसिकली ट्रांसपेरेंट. और कुछ प्लास्टिक्स में से भी आप देख सकते हो, तो वो क्या है, बेसिकली ट्रांसपेरेंट है. Some material through which you are not able to see, these materials are called opaque. कुछ material ऐसे होते हैं जिसमें से आप नहीं देख पाते, तो वो क्या है, opaque. जैसे कि wooden box है, अगर आपके पास wooden एक लकड़ी की गुल्लक है जिसमें आप पैसे जमा करते हैं, तो क्या आप उसमें देख पाते हैं कितने पैसे है? नहीं ना, तो वो क्या है, opaque. इसी तरीके से कोई कार्डबोर्ड का कार्टन है, कोई मेटल का कंटेनर है, स्टील का डब्बा जिसमें आप कुछ आपकी मम्मी सामान रखती हैं, तो उसमें आप देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो ये क्या है, बेसिकली ओपेक है. द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली. अब कुछ ऐसे भी चीजें हैं जहां से आप देख तो सकते हैं लेकिन उतना क्लियरली नहीं देख पाते कि आपको सामने वाले समझ आ जाए कि वहां पर क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट. तो कुछ ग्लासेस आप देख सकते हैं जो अलग अलग तरीके की मॉडिफिकेशन आती है, उनमें क्या होता है, आप उनमें क्लियरली नहीं देख पाते, कुछ हद तक देख पाते हैं, धुंधला धुंधला आपको दिखाई देता है, तो वो क्या है, ट्रांसलूसेंट है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है. अब हम आ जाते हैं चैप्टर 5 पर, कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस को आप सेपरेट कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे. तो बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस. लेकिन सब्सटेंस को यूज करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा आपके लिए लाभदायक है, कौन सा नहीं. तो आपको पहचान आनी चाहिए कि हार्मफुल कौन सा है और नॉन यूजफुल कौन सा है, ठीक है. मेथड्स ऑफ सेपरेशन, क्या क्या मेथड्स हैं सेपरेशन के.
पहला है हैंड पिकिंग, यानी कि हाथों से चुनना। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम द व्हीट, राइस, पल्सिस। ठीक है, तो हैंड पिकिंग क्या होता है, बेसिकली आप हाथ से उठाते हो, तो ये उन चीजों के लिए तो अच्छा है जो थोड़े से जो है लार्ज साइज की इम्प्योरिटी, थोड़े बड़े साइज की अशुद्धियां होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको चावल में से कोई कंकर चुनने हैं, दाल में से, अनाज में से जब हम कंकर चुनते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक हैंड पिकिंग का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप क्या हो सकता है, थ्रैशिंग, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टार्क। सुना होगा आपने, गांव में आपने देखा भी होगा थ्रेशर, तो वो क्या करते हैं, थ्रैशिंग करते हैं बेसिकली। तो क्या होते हैं, वो स्टोक से ग्रेन को अलग करते हैं, अनाज को अलग करते हैं। तो स्टोक को अगर आप जो गाय जो सॉरी गेहूं की जो बाले होती हैं, अगर आप उसको बार बार पीटोगे तो क्या होगा, अनाज अलग निकल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है थ्रैशिंग का, कि किसी भी चीज को आप स्टोक को बार बार पीटते रहो किसी सरफेस पे, तो उसके बाद क्या होगा, कि ग्रेन्स जो सीड्स हैं दाने वो उससे अलग हो जाएंगे। विनोइंग, मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। जब आप घर में देखते हैं जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, जब अनाज को साफ करना होता है, अनाज की सफाई करनी होती है, तो क्या करती है, थोड़ी सी ऊंचे सरफेस से वो खड़े होकर क्या करती है, जो अनाज को धीरे धीरे गिराती हैं, जिस साइड भी साइड की हवा होती है उसी साइड वो गिरा लेती हैं। तो उससे क्या होगा कि जो उसमें से हल्के पदार्थ हैं, धूल है, मिट्टी है, कोई भी भूसा टाइप का पदार्थ है, तो वो क्या होता है, वो अलग, पहले ही उसमें से अलग हो जाता है। तो जब आपके पास लाइटर और जो है आपके पास हैवियर दोनों ही कंपोनेंट है, तो आप लाइटर कंपोनेंट्स को इस तरीके से अलग कर पाते हो। अब है सीविंग। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल ऑफ द सीव व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। सीव का जो एग्जांपल छन्नी, आटा छानने वाली छन्नी, उसमें से भी आप करते हो तो आटा नीचे रह जाता है, ऊपर अगर कुछ भी चीज है, या कई बार हम जिसको बूर बोलते हैं, बूरा, तो वो भी ऊपर रह जाता है। तो इसी तरीके की अगर आपके पास कोई भी जैसे बेसन है, बेसन को भी आप कई बार छान लेते हो तो आपको पता चल जाता है, तो जो ऊपर इम्प्योरिटीज रह जाती है, जो अंदर छलनी टाइप का जिसमें थोड़े थोड़े दाने थे, और जहां पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है वहां पर भी आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब ये क्या टर्म्स हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। हैवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर सेटल डाउन व्हेन वाटर इज एडेड। अगर कोई भी कंपोनेंट हैवी होगा, भारी होगा, और अगर आप उसमें पानी मिलाओगे तो वो पानी के अंदर बैठ जाता है, तो ये प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन। तो व्हेन वाटर अलोंग द डस्ट इज रिमूव, डिकेंटेशन। जब पानी को हम निकाल देते हैं डस्ट के साथ, तो ये क्या हो गया, डिकेंटेशन। एग्जाम्पल लेते हैं चावल, जब आप चावल लाते हो, आपको चावल बनाने होते हैं, तो आप चावल को वॉश करते हो, क्या करते हैं, उसमें पानी भरते हैं। तो जैसे आप पानी भरते हो तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कुछ भी प्रकार का जो लाइटर्स होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, पानी के सतह पर आ जाते हैं। तो जब आपने पानी डाला वो है सेडिमेंटेशन, ले अब वो पानी में सतह पे ऊपर आ गए, आप उसको निकाल रहे हो, वो है डिकेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एन इनसोल्युबल सॉलिड एंड ए लिक्विड। मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर्ड टी। जब आप किसी लिक्विड में से अघुलनीय पदार्थ को निकालते हो, जैसे कि जब आप चाय छानते हो तो चाय पत्ती सोलिबल नहीं है तो वो ऊपर रह जाती है, तो चाय पत्ती को आप निकालते हो, तो वो एग्जाम्पल है फिल्टर का, फिल्ट्रेशन। इसके अलावा इवेपोरेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है कि जो पानी होता है उसका वाष्प में बदल जाना, लिक्विड फॉर्म क्या होती है, वाष्प में बदल जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली वेयर वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। जहां जहां पर भी पानी प्रेजेंट होता है, चाहे ग्लेशियर्स पे ले लो, चाहे ओशियंस पे ले लो, पॉन्ड्स, लेक्स, तो हर जगह क्या होता है, एक जो पानी की जो है वो इवेपोरेट होता रहता है, वाष्प में बदलता रहता है। तो इवेपोरेशन एक
जल्दी वाला प्रोसेस नहीं, काफी लंबे समय तक चलता रहता है। इवेपोरेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट ए सॉलिड डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड। अब इवेपोरेशन के यूज से आपको क्या चीज मिलती है वो भी आप देखते हैं, कॉमन सॉल्ट। आपने समुद्र का पानी देखा होगा, सी वॉटर इज अलाउड टू स्टैंड इन सैलो पिट्स। सी वॉटर को क्या करते हैं, एक जहां पर पानी ठहर सके ऐसे स्थान पर, ऐसे गड्ढे में स्टोर कर लेते हैं। वाटर गेट्स हीटेड, क्या होगा फिर जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी पानी पर, क्या होगा तो पानी गर्म होगा, गर्म होगा तो पानी वेपोरेट होगा यानी कि वेपर्स बनेंगे उसके बाद। और कुछ दिनों बाद जब आप देखोगे जब पानी बिल्कुल वेपोरेट हो जाएगा, उसमें पानी नहीं होगा, तो जो उसमें सॉलिड पार्ट था वो क्या होगा, जमना शुरू हो जाएगा और वो क्या होगा, कॉमन सॉल्ट। तो इस तरीके से हमें नमक प्राप्त होता है और उस नमक को प्यूरिफाई करके शुद्ध करके हम यूज में लाते हैं। तो व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन। इन ए फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट्स। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। अब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, ये तो हमने देख लिया इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या था, लिक्विड से वेपर बन रहे हैं। अगर वेपर से लिक्विड बन रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब इसका एग्जांपल क्या है, दूध गर्म करते हैं, पानी गर्म आप जब करते हो तो क्या होता है, जो भी आप ढक्कन ढकते हो तो उसके ऊपर आपको जब आप उसको उठाओगे ढक्कन को तो आपको लिक्विड दिखाई देता है। तो वो जो वाष्प है वो ऊपर उठ तो रहा है, जब पानी आप गर्म कर रहे हो तो पानी क्या हो रहा है, वाष्प बन रहा है, वाष्प अब ऊपर उठ रहा है लेकिन ऊपर का ढक्कन ठंडा है। जैसे वो वहां पर ठंडा लगेगा तो पानी क्या होगा, वापस से लिक्विड बन जाता है। तो वो प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंसेस कैन बी डिसॉल्व्ड। अगर आप किसी भी एक पानी लेते हो, पानी में आप चीनी मिलाए जा रहे हो, मिलाए जा रहे हो, मिलाए जा रहे हो, एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट जरूर आएगा कि अब जब चीनी घुलना बंद कर देगी पानी में, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना घुल चुकी है, वो बाकी और मात्रा आप उसकी नहीं मिला पाओगे। तो वो पॉइंट जहां पर और चीनी पानी में नहीं घुलेगी तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर लिया, बात करते हैं चैप्टर 6 की। चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में चैप्टर है। तो सम चेंजेस कैन बी रिवर्स और सम कैन नॉट बी रिवर्स। कुछ रिवर्स होते हैं, कुछ रिवर्स नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप बलून को फुलाते हो, फिर उसकी अगर आप उसकी हवा निकाल देते हो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो वो क्या है, रिवर्स है। अब दूसरा एग्जांपल कि आपने एक पेपर लिया, पेपर की आपने पूरी कटिंग वटिंग की अच्छे से और उसका एक ग्रीटिंग कार्ड बना दिया, क्या आप उस ग्रीटिंग कार्ड से दोबारा पेपर बना सकते हो, नहीं बना सकते, प्लेन पेपर, तो वो क्या है, वो रिवर्स नहीं है। तो ये चेंज में ओकर बाय हीटिंग ए सब्सटेंसेस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर। तो आप चेंज कैसे कर सकते हो, या तो किसी पदार्थ को आप गर्म कर सकते हो या उसको किसी और दूसरे पदार्थ के साथ मिला के भी उसमें चेंज कर सकते हो। Example, the iron blade of tools has a ring in which the wooden handle is fixed. अब आपने कस्सी देखी होगी, लेकिन जो आप कस्सी देखते हो और जो हैंडल होता है वो उसका जो डंडा होता है वो बड़ा होता है, और जो कस्सी में जो डालते हैं वो नीचे लोहे की जहां पे वो रिंग होती है वो वुडन के डंडे से हमेशा छोटी होती है, तो फिर भी फिट कैसे हो जाती है वो। द आयरन ब्लेड ऑफ टूल हैज अ रिंग इन विच वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। तो नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटर स्मॉलर इन साइज देन वुडन हैंडल, टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड। क्योंकि फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, उस रिंग को हीट करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या हुआ, उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो एक्सपेंड हो जाती है, अब फिर हैंडल को इजिली उसमें फिट कर देते हैं और जैसे ही वो ठंडी हो जाती है तो वापिस से अपनी पोजिशन में आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इससे वो इजिली फिट हो जाती है उसमें। ठीक है, चैप्टर 6 में इतना ही है। चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों के बारे में जानिए। हर्ब्स शर्ब्स एंड ट्रीज, हर्ब्स शर्ब्स एंड ट्रीज। तो ये हर्ब्स शर्ब ट्री क्या होता है, ये क्या डिफरेंस है इनमें। हर्ब्स की बात करें तो प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जिनके पतले तने होते हैं, ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं, पतले तने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, इनके ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती, ये छोटे ही होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं और इनकी ज्यादा शाखाएं भी नहीं होती, तना भी पतला होता है, हरा होता है। श्रब्स, श्रब्स क्या होते हैं,
shrubs, some plants have the stem branching out near the base. ये क्या होते हैं? इनका तना थोड़ा सा मोटा होता है और इनकी शाखाएं जो जमीन के साथ से बेस से ही उगना शुरू हो जाती हैं. तो द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक. सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब. ऐसे को हम क्या बोलते हैं? श्रब्स बोलते हैं. पेड़ आप सभी ने देखे हैं. सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम. द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं? कुछ पौधे बड़े ही लंबे हो जाते हैं और उनका तना हार्ड हो जाता है, थिक ब्राउन कलर का हो जाता है. उनमें ब्रांचेस होती हैं लेकिन अपर पार्ट में होती हैं, ऊपर पार्ट में होती हैं, बेस से स्टार्ट नहीं होती हैं. तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं बेसिकली उनको. तो ये आप एग्जांपल देख सकते हैं. इस तरीके का आपको पौधा दिख रहा है तो ये आपका हर्ब है. ये ग्रीन कलर वाला बेसिकली आपका ये हर्ब है, ठीक है. ये इसका पतला तना होता है और ये ब्रांचेस इसकी थोड़ी होती हैं. ये आपका यहाँ पे श्रब है जहाँ पे जमीन के पास से ही ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती हैं और ये इतना पूरा घना घना टाइप्स होता है. ये आपका पेड़ है जहाँ पे जो शाखाएं हैं वो ऊपर वाले हिस्से में होती हैं. अब देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा. सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक. हाँ, यहाँ पर थे हम. इसके बाद कुछ होते हैं क्रीपर्स और क्लिम्बर्स. अब ये क्रीपर्स और क्लिम्बर्स क्या नई टर्म्स हैं? हमने तो पढ़ लिया हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, पेड़ होते हैं. अब क्रीपर क्लिम्बर्स क्या होते हैं? तो प्लांट विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, व्हाइल दोज दैट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लिम्ब अप आर कॉल्ड क्लिम्बर्स. एक तो होता है क्रीपर, रेंगना टाइप्स. तो वो क्या होते हैं कि जो पौधे इतने कमजोर होते हैं जिनका तना कि अपने आप वो खड़े भी नहीं हो सकते, उनको हम बोलते हैं क्रीपर्स, ठीक है. और कुछ पौधे क्या होते हैं? खड़े तो नहीं हो सकते, जमीन पर लेट जाते हैं, वो तो हो गए क्रीपर. वो जो जमीन पर नहीं लेते वो अपने अड़ोसी पड़ोसी का सहारा लेके उन पे ही चढ़ना शुरू कर देते हैं उनके साथ ही. तो जैसे मनी प्लांट की बेल आप देखोगे तो वो क्या है? वो क्लिम्बर्स है. नेक्स्ट चलते हैं स्टेम. स्टेम क्या होता है? तना. तो वाटर मूव अप द स्टेम. इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट वाटर. वाटर मूव अप द स्टेम. जो स्टेम है तने से पानी क्या होता है? ऊपर चढ़ता है. इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट वाटर. इसमें ये भी बोल सकते हैं हम कि स्टेम क्या करता है? वाटर को कंडक्ट करता है. The water and mineral go to leaves and other plants parts attached to the stem through narrow tubes inside the stem. जो पानी है और खनिज पदार्थ है वो क्या होते हैं? वो पत्तियों तक जाते हैं और दूसरे पार्ट में पहुंचते हैं. किसके द्वारा? स्टेम्स के द्वारा, यानी कि तने के द्वारा. अब तने के द्वारा कैसे पहुंचेंगे? तने में होते हैं कुछ नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम. नैरो ट्यूब्स होती हैं. अब यहाँ पर अगर आप तने को काटेंगे और इस तरीके से देखेंगे तो इसमें क्या होता है? नैरो ट्यूब्स होती हैं. नेक्स्ट देखते हैं लीफ. लीफ में क्या होता है? दी पार्ट ऑफ ए लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल. पेटियोल बोलते हैं जिस भी हिस्से से जो पौधा है, ये पत्ती सी डंडी जिससे वो तने से जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं पेटियोल. दी ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना. और ये जो बड़ा हिस्सा होता है पत्ती का उसको हम क्या बोलते हैं? लेमिना बोलते हैं. तो ये हो गया लेमिना. और जिस हिस्से से ये तने से जुड़ी होती है ये क्या होते हैं? पेटियोल. The line on the leaf are called venous. और जो ये lines होती हैं leaf पर, इनको हम क्या बोलते हैं? Veins. तो the thick veins in the middle of the leaf is called the midrub. जो ये एक तो ये पतली lines हैं और एक ये mid में जो एक मोटी line होती है बिल्कुल mid में बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? Midrub. The design made by veins in leaf is called the leaf venation. और जिस तरीके से ये leaf के द्वारा लीफ पर डिजाइन बना होता है इसको हम क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन. इफ द डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ द साइड ऑफ मिडरब द वेनेशन वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन कब बोलेंगे? जब दोनों साइड क्या होगा? ये जाले जैसा सा स्ट्रक्चर बना होगा. तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन. इफ द वीन्स आर पैरेलल टू वन अनदर दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन. अब वीन्स क्या है? इस तरीके से नहीं है ये ऐसे टेढ़ी, अब क्या सीधी है वीन्स, पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल वेनेशन.
वाटर कम्स आउट ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो जो पानी है वो तो पेड़ पौधों में भी होता है, पत्तियों में भी होता है। अब पत्तियों से जो पानी वाष्प में बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। जो हम जनरल टर्म इवेपोरेशन यूज करते हैं तो वही अगर हम पेड़ पौधों के लिए हम यूज करेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक अलग टर्म है उसके लिए, ट्रांसपीरेशन। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण यानी कि किसी भी चीज का छोटे छोटे हिस्सों में टूटना, सिंथेसिस करना। फोटो यानी कि सूर्य की रोशनी में, सूर्य की उपस्थिति में। तो द लीव्स प्रिपेयर्ड देयरफॉर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल। जो पत्तियां हैं वो अपना खाना बनाती है कैसे, सूर्य के प्रकाश में। सूर्य का प्रकाश उनका सबसे प्रमुख स्रोत होता है और उसके अलावा एक ग्रीन कलर का, हरे कलर का एक सब्सटेंस जो पत्तियों में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश से मदद से पत्तियां अपना खाना बनाती है। फॉर दिस दे यूज वॉटर। इसके लिए वो क्या क्या यूज करती है, वॉटर, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है जो वो लेती है हवा से। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय लीव्स गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज स्टार्च। तो बेसिकली वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं खाना बनाने के लिए, पानी लेते हैं, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चार चीजें उनके लिए जरूरी होती है। और जो उनका खाना है वो स्टोर होता है पत्तियों में, डिफरेंट पत्तियों खाना बनाती है और बाकी हिस्सों में जो स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होता है, एज ए स्टार्च। अब बात करते हैं हम रूट की। रूट यानी कि जड़। तो जड़ का काम क्या होता है, रूट हेल्प्स इन होल्डिंग द प्लांट फॉर्मली इन दी सोयल। जो जड़ है वो पौधों को अच्छे तरीके से खड़ा होने में, मिट्टी में खड़ा होने में मदद करती है। दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू दी सोयल। ये क्या कही जाती है, इनको एंकर द प्लांट कहते हैं टू दी सोयल। रूट्स पेनिट्रेट इन टू सोयल एंड एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम दी सोयल। तो जो जड़े हैं वो मिट्टी में अंदर तक जाती हैं और पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, पोषक तत्व जो मिलते हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वो पोषक तत्व और पानी पौधों के सभी हिस्सों में पहुंचाया दिया जाता है। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जो मेन रूट होती है उसको हम बोलते हैं टैप रूट और उसके साथ जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं उसको बोलते हैं हम लेटरल रूट्स। तो प्लांट विद रूट्स डू नॉट हैव एनी मेन रूट। और कुछ ऐसी भी होती है रूट्स जो कि मेन रूट नहीं होती जिनके साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। वो क्या होती है, सब सिमिलर दिखती है, इनको हम बोलते हैं फाइब्रस। और इसमें ये मेन रूट्स हैं और बाकी ये सब रूट्स हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड। पत्तियां जो है वो अपना खाना बनाती है। दिस फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यही खाना तने के द्वारा पौधों के दूसरे हिस्सों में पहुंचाया जाता है और एज ए स्टार्च के रूप में इसको सेव कर लिया जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स। और कुछ पौधे के पार्ट ऐसे भी हैं जो हम जड़ के रूप में खाते हैं। तो जड़ के रूप में खाने वाले हमारे पौधे क्या हैं, कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, स्वीट पोटैटो, टर्नपिक, टैपियोका। तो ऐसी ऐसी चीजें आप, जैसे आप मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, शलगम खाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये जड़े हैं जो हम खाते हैं और ये अलग एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में देखा जा चुका है, सीटेट में भी और बाकी एग्जाम में भी ये आता है। फ्लावर क्या होता है, फूल। द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर दीज आर कॉल्ड पेटल्स ऑफ द फ्लावर। पेटल्स क्या होती है, पत्तियां। जो सबसे मुख्य हिस्सा होता है फूल का वो क्या होते हैं, उसकी पत्तियां। तो डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। जरूरी नहीं है कि सबकी सभी एक ही जैसे कलर के होते हैं पौधे, सब अलग अलग पौधे के अलग अलग कलर के फूल हो सकते हैं। किसी का व्हाइट है, पिंक है, रेड है, येलो है, ठीक है। इस तरीके से आपको फूल के कलर देखने को मिल सकते हैं। द पेटल्स आर इन ए क्लोज बड। जो पेटल होती है वो एक क्लोज बड में होती है, ये आप देख सकते हैं क्या है, ये क्लोज बड है। तो द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आल्का सेपल्स। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर से वो जैसे क्लोज बड में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। ये आप देख सकते हैं सेपल, जो एक छोटे से दाने के ऊपर ये ऐसी तरीके से होती है, इसको हम बोलते हैं सेपल। और जो मेन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेटल यानी कि पत्तियां। अब देखते हैं नेक्स्ट कि नेक्स्ट हमारा क्या कहता है।
ये पार्ट के कुछ जो फूल के कुछ पार्ट है उसके जो है हम देखते हैं उसमें क्या है। तो द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लोर इज कॉल्ड पिस्टिन। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिन। ये वाला पार्ट ये क्या है, पिस्टिन है। और ये ऊपर अपर मोस्ट वाला पार्ट क्या है, ये स्टैमन्स है। ठीक है, तो स्टैमन की अगर हम बात करें तो नीचे इसको हम बोलते हैं फिलामेंट और ऊपर वाले इस हिस्से को हम बोलते हैं एंथर। तो ये एंथर, फिलामेंट, स्टैमन्स क्या है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, ओवरी ऑफ ए फ्लावर इट इज शोन इन द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। जो पिस्टिल का जो स्वोलन पार्ट होता है, जो सूजा हुआ पार्ट होता है, उसको आप क्या बोलते हो, ओवरी। ये पिस्टिल में ना ये थोड़ा यहाँ पर सूजा हुआ पार्ट दिखेगा, जो आपको थोड़ा ज्यादा दिखेगा मोटा पार्ट, उसको आप क्या बोलते हो, ओवरी बोलते हो। तो ये पिस्टिल है, जैसे पिस्टिल में आप इसको ओवरी बोलते हो, इसको स्टाइल और इसको स्टैग्मा। ओवरी यानी कि ये आपकी पौधे के रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। तो स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी कार ओवल्स, ओवल्स बोलते हैं जो इसके अंदर बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको कट करके देखेंगे तो इसमें बीड साइज स्ट्रक्चर्स होंगे, उसको हम बोलते हैं ओवल्स। ये था चैप्टर 7। अब बात करते हैं हम चैप्टर 8 की, बॉडी मूवमेंट, यानी कि आपकी शरीर की जो मूवमेंट है, हिलना डुलना, आप शरीर को हिला डुला सकते हो, किस हिस्से को आप मोड़ सकते हो, कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो आप नहीं हिला सकते हो। तो ये क्या है, बेसिकली आपकी बॉडी की मूवमेंट। We are able to bend or rotate our body in places where two or parts of our body seems to be joined together, like elbow, shoulder, neck. These places are called joints. कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहां पर हम बेंड कर सकते हैं, यानी कि मोड़ सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं अपनी बॉडी को। तो ऐसे हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, वो ये हिस्से बेसिकली वहां होते हैं जहां दो पार्ट हमारी बॉडी के जुड़े हुए दिखते हैं। लाइक जैसे कि एल्बो, आपकी घुटना, आपकी जो कोहनी है, शाउल्डर, शाउल्डर से आप हाथ को चारों तरफ घुमा सकते हो, कंधा और नेक, गर्दन को भी आप घुमा सकते हो, चारों तरफ तो नहीं बट गर्दन को आप आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हो, सही दाएं बाएं आप कर सकते हो। तो दीज प्लेस को हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट्स कहते हैं बेसिकली। बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी, हड्डियां और कार्टिलेज हमारी जो शरीर है उसका ढांचा बनाती है। इट गिव्स द फ्रेम एंड शेप टू द बॉडी एंड हेल्प्स इन मूवमेंट, ये हमारे शरीर को एक फ्रेम देती है, एक शेप देती है और हमें हिलने डुलने में मदद करती है। इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन और हमारे इनर ऑर्गन्स को, भीतरी अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। द स्केलेटन कंप्रोमाइजेस द स्कल, स्केलेटन में क्या होता है, जो ढांचा होता है, जो हड्डियों का ढांचा, उसमें क्या होता है, स्कल होता है आपका जो दिमाग का हिस्सा, ऊपर बैकबोन होती है आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी, और वो रिब्स होती है, ब्रेस्ट बोन होती है आपकी छाती की हड्डी, शोल्डर, कंधे, हिपोन्स एंड बोन्स ऑफ हैंड्स और लेग, और हाथ और जो है पैरों की हड्डियां। द बोन्स आर मूव्ड बाय अल्टरनेट कॉन्ट्राडिक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ मसल, जो हड्डियां होती हैं वो आप मूव कर सकते हो, कॉन्ट्राडिक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ मसल। जब आप अपने हाथ को अगर आप सीधा करेंगे और कोहने को ऐसे मोड़ेंगे तो आपकी जो ऊपर वाली बाजू है वो आपको फूली हुई दिखाई देती है। तो ये बेसिकली क्या है, मसल्स, जो अगर आप उसको ऐसे जब अपने हाथ को उठाते हो तो वो क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, जब आप हाथ को सीधा करते हो तो वो रिलैक्स हो जाती है। तो ये क्या होती है, बेसिकली हमारी मसल्स होती है, मांसपेशियां होती हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट जोन्स। बॉल एंड सॉकेट जोन कौन सा होता है, तो द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी होलो स्पेल ऑफ द अदर बोन, यानी कि एक हिस्सा आपका गोल होगा एक बोन का और दूसरा हिस्सा आपको ऐसा लगेगा कि दूसरे हिस्से में फिट है। तो राउंडेड एंड होगा एक बोन का और वो फिट होगा में होलो स्पेल्स में अंदर पॉन्स के। ठीक है, पिवोटल जोन जॉइंट, पिवोटल जॉइंट क्या होता है, द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड, जो हमारी गर्दन है हमारे सिर से जुड़ी है, ये हमारा कौन सा जॉइंट है, जॉइंट है ये हमारा पिवोटल जॉइंट। इट अलाउज अस टू बेंड आर हैंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आप इसे अपने हेड को आगे ले जा सकते हो और पीछे ले जा सकते हो, एंड टर्न द हैंड टू राइट एंड लेफ्ट, और राइट और लेफ्ट आप उसको घुमा सकते हो। तो इन पिवोटल जॉइंट इज सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग, इसमें क्या होता है, बेसिकली एक सिलेंड्रिकल बोन है जो रोटेट कर रही है एक रिंग में। अब हिंज जॉइंट क्या होता है, मूवमेंट एट द एल्बो, जो आपकी कोहनी की जो मूवमेंट है उसको क्या है, बेसिकली हिंज। उससे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आप आगे पीछे कर सकते हो, ज्यादा आप उसको दाएं बाएं या फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप उसको चारों तरफ घुमा सको।
आप फिक्स्ड जॉइंट कौन से होते हैं? फिक्स्ड जॉइंट कौन से होते हैं? देयर आर सम बोन्स इन आवर हेड दैट आर जॉइंट टुगेदर एट सम पॉइंट्स। अगर आप अपने सिर की हड्डियों की बात करें तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर वो फिक्स्ड हैं, आप उसको ज्यादा हिला नहीं सकते, ज्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं हिला सकते। बट द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज पॉइंट्स, तो हड्डियां वो वहां पे हिलेंगी नहीं। उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड जॉइंट्स। जैसे कि अपर जॉ एंड आपके जो ऊपर वाला हिस्सा है और बाकी जो सर का हिस्सा है वो जो क्या है? फिक्स्ड जॉइंट है। द बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म्स ए फ्रेमवर्क टू गिव ए शेप टू आवर बॉडी, द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। जो हड्डियां हैं हमारे शरीर की वो क्या करती है? एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, एक शेप देती हैं हमारे शरीर को, और इस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन, यानी कि ढांचा। The X-ray shows the shape of the bones in our body. जो X-ray होता है, X-ray क्या दिखाता है? Shapes दिखाता है हमारे bones की in our body, हमारी शरीर में जो जो हड्डियां हैं, shape अगर आपको देखनी है तो वो X-ray से आप देख सकते हो। Wrist आपकी flexible होती है, अपनी कलाई को आप ऐसे चारों तरफ घुमा सकते हो। तो इट इज मेड ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स। क्यों होती है? क्योंकि ये बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है और रिब्स पे बनी होती है, तो जो कंटिन्यूसली बेंट होती हैं। तो जस्ट जॉइन दी चेस्ट बोन एंड दी बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स, दिस इज कॉल्ड रिब केज। तो एक इसके अलावा रिब केज क्या होता है? जो चेस्ट बोन को और बैक बोन को टुगेदर इकट्ठा जोड़े तो एक बॉक्स की फॉर्म में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। बैकबोन क्या होती है? इट इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स। ये अलग अलग छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है आपकी बैकबोन। तो रिब केज इज ज्वाइंट टू दीज पॉइंट। तो रिब केज है जो आपकी बैकबोन से भी ज्वाइंट होती है। अब बात करें, शोल्डर बोन्स भी होती है, पेल्विक बोन्स, देन क्लोज द पोर्शन ऑफ आर बॉडी बिलो द स्टमक। जो आपके पेट के नीचे का हिस्सा होता है वो आपका पेल्विक बोन, जहां पर आप बैठते हो जहां से, तो वो है आपका पेल्विक बोन्स बेसिकली। स्कल, स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। आपके दिमाग में भी बहुत सारी हड्डियां होती हैं जो इकट्ठी हैं, ज्वाइंट है। इट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। स्कल क्या करता है? बेसिकली आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका दिमाग, उसको सुरक्षित करता है, प्रोटेक्ट करता है। The additional part of the skeleton that are not as hard as the bone। कुछ ढांचे के हिस्से हमारे ऐसे भी हैं जो उतने हार्ड नहीं हैं जितने की हमारी हड्डियां। तो which can be bent are called cartilage। जो easily bent हो सकती हैं उसको हम क्या कहते हैं? cartilage। Example के तौर पर आपकी जो कान है, कान के जो नीचे का हिस्सा, आप उसको आराम से हिला सकते हो। कान को अगर आप ऐसे फोल्ड करके, आपको पता चल जाएगा हड्डी इतनी स्ट्रोंग नहीं है, ये नॉर्मल है, थोड़ी फ्लेक्सीबल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। अब मसल क्या होती है? ए स्वोलन रीजन इनसाइड योर अपर आर्म, ये हम पढ़ चुके हैं। तो द मसल बर्स्ट ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन। जब आप ये कॉन्ट्राडिक्ट होती है तो ये छोटी हो जाती है, जब आप इसको रिलैक्स करेंगे तो एक्सटेंड हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो व्हेन कॉन्ट्राडिक्ट द मसल बिकम शॉर्टर स्टिफर एंड थिकर, इट पुल्स द बोन। ये क्या करती है? बेसिकली हड्डियों को खींचती है। ए मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश, ये सिर्फ खींच सकती है, धकेल नहीं सकती, ठीक है। अर्थवर्म, यानी कि जो आपने अर्थवर्म देखे होंगे, जो जमीन पे छोटे छोटे कीड़े, बेसिकली द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स ज्वाइनिंग एंड टू एंड्स। अर्थवर्म की जो केचुआ टाइप, केचुआ की जो होती है शरीर, वो क्या होता है? अलग अलग आपको रिंग्स दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है कि वो रिंग्स आपस में जुड़ी हुई है एंड टू एंड। एंड अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स। अर्थवर्म में, केचुए में हड्डियां नहीं होती हैं, इट हैज मसल्स, उसमें सिर्फ मांसपेशियां होती हैं जो एक्सटेंड होती हैं, तो उसकी बॉडी छोटी हो जाती है जब वो तो एक्सटेंड करने में उसको मदद करती है बेसिकली, और शॉर्टन करने में उससे वो कॉन्ट्राडिक्ट होगा, जब सिकुड़ेगा तो बॉडी छोटी हो जाएगी और जब फैलेगा तो बॉडी बड़ी हो जाएगी। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। वो कैसे चलता है? कि पीछे वाले हिस्से को थोड़ा सा फिक्स रखता है और जो फ्रंट पार्ट है उसको एक्सटेंड करता है। देन इट फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रियर एंड। फिर वो पहले हिस्से को, पहले जो फ्रंट हिस्सा है उसको फिक्स करता है और रियर एंड को, जो पीछे वाला हिस्सा है उसको चलने देता है। तो इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड। मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉयल। इसी तरीके
से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करता हुआ वो क्या होता है, अर्थवर्म चलता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, कैसे फिक्स करता है? तो अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसकी बॉडी में नीचे, जो इसको मदद करते हैं फिक्स करने में। अब आपने स्नेल देखा होगा, गेंगा जिसको आप बोलते हो, तो राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट बैक्स, दिस इज कॉल्ड अ शेल। गेंगा के जो ऊपर आप देखोगे पीठ के ऊपर एक बेसिकली एक राउंड राउंड का स्ट्रक्चर होता है, उसको आप बोलते हो उसकी शेल। शेल क्या होती है, आउटर स्केलेटन होता है स्नेल का, ये हड्डियों से नहीं बना होता है। शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, शेल एक सिंगल यूनिट होती है और ये कोई हेल्प नहीं करती है एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाने में। इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोन, कि गेंगा नीचे वाला पोर्शन उसका चल रहा है तो ऊपर वाला हिस्सा जो राउंड है वो उसको साथ साथ चलता रहेगा बस। अब कॉकरोच वॉक कर सकते हैं, क्लिम कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं, चल सकते हैं, कहीं पे भी चढ़ सकते हैं, उड़ भी सकते हैं कॉकरोच। दे हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग, उनके पास छह टांगे होती हैं, टोटली तीन पेयर्स होते हैं लेग्स के। दीज हेल्प्स इन वॉकिंग, वो उसको मदद करते हैं चलने में। द बॉडी इज कवर्ड विद ए हार्ड आउटर स्केलेटन, जो उनके शरीर है वो एक हार्ड स्केलेटन से ढकी होती है। The outer skeleton is made up of different units joined together and that permits movement. जो outer skeleton है वो अलग अलग units का बना होता है और इकट्ठा जुड़ा होता है। There are two parts of wing attached to the breast. जो दो हिस्से हैं, दो pairs हैं wing के आपके उनके पंखों के, वो उनके breast से जुड़े होते हैं। तो the cockroach had distinct muscles. Those near to legs move the legs for walking. और कुछ जो है उनकी मसल्स जो नियर टू लेग्स होती है उनको चलने में मदद करती हैं। द ब्रेस्ट मसल मूव्स द विंग व्हेन द कॉकरोच फ्लाई, और जो पंख जो उनके ब्रेस्ट से जुड़े होते हैं वो क्या मदद करते हैं उनको, कॉकरोच को उड़ने में मदद करते हैं। अब बाकी देखते हैं कि बाकी बर्ड्स का क्या रहता है। द साउंडर शोल्डर्स बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, जो शोल्डर्स बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, उनकी जो कंधे की हड्डी होती हैं वो तो स्ट्रॉन्ग होती हैं और जो उनके जो पंख है बेसिकली वो उनके ब्रेस्ट बोन से ही अटैच होते हैं, जो उनके पंखों को ऊपर और नीचे जाने में मदद करते हैं। फिश की बात करें, मछली हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन, अगर आपने मछली को ध्यान से देखा है तो उसका बीच वाला हिस्सा बड़ा होता है और जो उसका हेड एंड टेल यानी कि उसके सर का और पूंछ का जो हिस्सा होता है एक तरीके से वो छोटा होता है, पतला होता है। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स, बॉडी टेपर्स होते हैं बोथ एंड पे, दोनों ही हिस्सों पे। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन, और इस बॉडी शेप को कि जो हेड और टेल से पतली है और बीच में से बड़ी है उसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रीम लाइन। The skeleton of the fish is covered with strong muscles. जो आपकी skeleton है fish की वो strong muscles से मांसपेशियों से covered होती है। During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swing towards the opposite side. जब वो तैरती है तो क्या करती है muscles, जो उसके पहले आगे का हिस्सा होता है वो curve की shape में ले लेता है और जो पीछे का हिस्सा होता है tails का वो उसको opposite side में push करता है, तो स्विंग करता है, तो इस तरीके से वो तैरती हैं। देन क्विकली इन द बॉडी एंड टेल कम टू द अदर साइड, तो जल्दी से क्या होता है बॉडी और टेल दोनों ही अलग साइड में अपोजिट साइड में कर्व कर लेती हैं। दे मेक ए जक्स, इस तरीके से जो झटका होता है उसकी बॉडी को पुश करने में मदद करता है। तो ए सीरीज ऑफ सच जक्स, जब ऐसे ऐसे काफी सारे जक्स होते हैं तो इस तरीके से जो मछली है वो तैरती है। This is helped by the fins of the tails. और ये जो fins जो उसके आपने देखा होगा एक तरीके से दो pairs हैं जो आपको दिखाई देते हैं, fins दिखाई देते हैं tail पे, वो मदद करते हैं। Fish also have other fins on the body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. तैरते टाइम जो fins उसके body पे भी और भी होते हैं जो उसको मदद करते हैं अपनी body को balance करने में, direction देने में और तैरने में। How do snake move? सांप कैसे चलते हैं? स्नेक है से लॉन्ग बैकबोन, सांप की बेसिकली होती है बहुत ही लंबी बैकबोन होती है। दे हैव मैनी टाइनी थिन मसल्स, बहुत ही पतली पतली मांसपेशियां होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, ये एक दूसरे से दूर होती हैं फिर भी आपस में कनेक्टेड होती हैं। दे ऑल्सो इंट्रैक्ट द बैकबोन रिब्स एंड स्किन, ये रिब्स से बैकबोन से और स्किन से इंट्रैक्ट करती हैं। दिस स्नेक बॉडी कर्व
इनटू मेनी लूप्स। स्नेक को अगर आपने चलता देखा हो तो वो राइट लेफ्ट करके एक लूप्स बनाता हुआ चलता है। ईच लूप ऑफ दिस स्नेक गिव्स ए फॉरवर्ड पुश, जितने ज्यादा वो लूप्स बनाता है उतने ही फॉरवर्ड पुश बनते हैं, तो बाय प्रेसिंग अगेंस्ट दी ग्राउंड। तो इसी तरीके से वो बहुत ही स्पीड से इसी तरीके से चलता है कि एक एक लूप्स को फॉरवर्ड आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। The Ancient Greek Philosopher की एक बुक का नाम है, तो ये भी आप रख सकते हैं। ये एरिस्टोल ने बुक लिखी थी गेट ऑफ एनिमल्स, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब हैबिटेट्स देख लेते हैं। हैबिटेट क्या होता है? आवास। तो सम टेरिस्ट्रियल यानी कि जमीन पर रहने वाले आवास देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेजर्ट की यानी कि मरुस्थल की। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या था? ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन का ही प्रोसेस था, लेकिन जब इवेपोरेशन पौधों की पत्तियों से हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो जो पौधे हैं वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा दौरान बहुत ही कम वाटर को बहुत ही कम वाटर को लूज करते हैं। क्यों? डेजर्ट में है, डेजर्ट में वैसे ही पानी की कमी है, तो अगर ट्रांसपिरेशन में उन्होंने गवा दिया पानी तो उनके ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो बहुत ही कम करते हैं। तो इसी तरीके से क्या वो अपने आप से करते हैं? तो उनके जो बेसिकली उनका स्ट्रक्चर है वो भी उसी तरीके का हो जाते हैं। तो जो लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट। तो अगर आप देखोगे मरुस्थलीय पौधों में या तो पत्ते होंगे ही नहीं, या बहुत छोटे होंगे, या एक स्पाइन की शेप में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि नागफली। सो दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। यानी ये शेप उनको किस लिए मदद करती है? कि पानी कम से कम जो है लॉस हो ट्रांसपिरेशन के द्वारा। फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय स्ट्रैम। यहाँ पे एक आपको अलग बात पता चल रही है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है मरुस्थलीय पौधों में वो पत्तियों में नहीं होती, क्योंकि पत्तियां तो हमने पढ़ा ऊपर वाली लाइन में कि आइदर अब्सेंट भी हो सकती है। पत्तियां तो नहीं होंगी तो कहाँ होगा फोटोसिंथेसिस, कैसे खाना बनाएंगे पौधे अपना? तो वो तने के द्वारा भी बनाते हैं स्टेम। स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद ए थिक वैक्सी लेयर। जो स्टेम एक वैक्सी लेयर से कवर होता है विच हैज टू रिटेन वॉटर, जो मदद करता है वॉटर को रिटेन करने में। ठीक है, तो क्या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अब कि क्या प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है, तो आपका आंसर होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण तनों में भी हो सकता है, तो सिर्फ पत्तियों में होता है ये कहना गलत होगा। अब बात करते हैं माउंटेन रीजंस की, पहाड़ों की। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी इन सम एरियाज, स्नोफॉल्स मे टेक प्लेसेस इन विंटर्स। तो ये या तो बहुत ही ठंडे होते हैं, हवा चलती रहती है तेज तेज, और इवन बर्फबारी भी होती है सर्दियों के मौसम में। These trees are normally cone shaped and having sloping branches. तो इनके trees अगर आप देखोगे तो cone shape में होता है, यानी कि branch भी ऊपर जाके अगर आपको एक points पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, तो sloping branches होती हैं इनकी। The leaves of some of these trees are needle-like. इनकी जो कुछ पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? सुई जैसी होती हैं, needle-like होती हैं। This helps the rain water and snow to slide off easily. उससे फायदा क्या होगा? ना तो उसपे पानी का रुकेगा बारिश का, और ना ही उसपे बर्फ रुकती है, तो उसमें मदद करती हैं ये पत्तियां। Another living in the mountain regions are also adapted to the conditions. जो animals हैं, जो यहाँ पे जीव जंतु हैं, वो भी क्या करते हैं? Mountain regions में adapted हो जाते हैं। अब habitat और adaptation में क्या होता है? Habitat होता है आवास, जहाँ पर आप कुछ time के लिए रहते हो। Adaptation यानी कि आप काफी time से रह रहे हो उस जलवायु में, आप बिल्कुल जो है पूरा रम चुके हो, अब आप उसके आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग ढल चुकी है। तो जो एनिमल्स होते हैं माउंटेन्स में वो अडेप्टेड हो चुके हैं इन कंडीशन के, तो दे हैव थिक स्किन। उनकी अगर आप स्किन देखोगे तो वो उनकी स्किन थिक होती है, और उनके पास फर होते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। और फर क्या मदद करते हैं? ठंड से बचने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यॉक्स हैव लॉन्ग हेयर। अगर आपने याक देखा होगा तो उनके लंबे लंबे बाल होते हैं ताकि वो गर्म रहे। स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी। जो लेपर्ड तेंदुआ होते हैं उन पे भी थिक बॉडी होती है, उनको ठंड से बचाने में मदद करती है। माउंटेन गोट्स हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप टू द रॉकी स्लोप्स टू द माउंटेन। जो गोट्स होती है मछली होती है, उनके भी हूव्स जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो माउंटेन्स में इजिली चल पाए, दौड़ पाए। अब ग्रासलैंड्स घास के मैदान।
तो फीचर्स ऑफ ए लॉइन लाइट ब्राउन कलर, कीप इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हर्स्ट फॉर प्रे, प्रे क्या होता है एनिमल्स टू ईट, द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउज इट टू हैव ए करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ द प्रे। अगर आप ध्यान से देखोगे एक लॉइन को, एक शेर को, तो उसके क्या होती है शरीर अगर जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन होता है, वो उसको किस लिए मदद करता है कि वो इजिली जो घास के मैदान में वो छुप जाता है और अपने शिकार का इंतजार करता है। उसकी आंखें बिल्कुल फेस पे होती हैं, बिल्कुल सामने होती हैं, और वो किस लिए मदद करती हैं, तो वो अपनी जो शिकार है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को देखने में मदद करती है। ए डियर हैज स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट्स स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट, जो हिरण होता है वो क्या कहता है पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं, तो उसके स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं ताकि वो पेड़ पौधों को च्यू कर सके, चबा सके। प्रीडेटर्स होते हैं एनिमल्स लाइक लॉयन दैट मेक इट देयर प्रे। It is long years to hear movement of predators. तो predators यानी कि जो उसका शिकार करने आते हैं जैसे कि शेर, तो इनके लंबे लंबे कान होते हैं जो उसको मदद करते हैं कि कहां से शिकारी शिकार करने के लिए आ रहा है, उसकी मूवमेंट के लिए इनको मदद करता है। The eyes on the side of its head allows it to look into all directions of danger. इनकी अगर आप आंखें देखेंगे तो बिल्कुल सामने नहीं होती, बिल्कुल बल्कि साइड में होती हैं, ताकि इनकी नजर ऑल ओवर द डायरेक्शन चारों तरफ रह सके जहां से भी शिकारी आ रहा है और ये डेंजर से बच सके। द स्पीड ऑफ द डियर हैज देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स, उनकी जो टांगे है लंबी हो, मतलब जो पतली पतली होती है लंबी होती है, जो उनको तेज दौड़ने में मदद करती हैं। अब बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जल में रहने वाले जीव जंतु। ओशियंस सागर, स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। अब ऑक्टोपस की तो मछली जैसी शेप नहीं होती ना, स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती। दे हैव स्टेड डीपर इन द ओशन एंड नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टुवर्ड्स देम। ये सागर में गहरे नीचे रहते हैं और जो भी शिकारी, जो भी एनिमल्स इनकी तरफ आता है, जिसको ये अपना शिकार बना लेते हैं, वो ये उनकी तरफ बढ़ जाते हैं, उनको खा लेते हैं। हाउएवर व्हेन दे मूव इन द वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीम लाइन, हालांकि जब वो पानी में मूवमेंट करते हैं तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रीम लाइन बना लेते हैं। दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, और इन एनिमल्स में गिल्स होते हैं, जो गिल्स क्या मदद करते हैं, जो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसको लेने में मदद करते हैं। डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स, डॉल्फिन में नहीं होते हैं गिल्स और जो व्हेल है उसमें भी नहीं होते हैं गिल्स, तो दे ब्रेथ इन द एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। अब ये कैसे सांस लेंगी, तो दे ब्रेथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स से सांस लेती है ये, और ब्लो होल्स होते हैं जो इनके अपर पार्ट्स में होते हैं उससे ये सांस लेती हैं। तो इसी तरीके से ये क्यों, क्योंकि जब आपने देखा होगा डॉल्फिन क्या करती है पानी में करतब दिखाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनको पानी से गिल नहीं है उनके पास, वो बाहर से भी नोस्ट्रिल है, ब्लो होल्स है, तो वो इजिली ऑक्सीजन ले सकती है, इजिली वो सांस ले सकती है वहां में। दिस अलाउ देम टू ब्रेथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ द वाटर, इसीलिए जो डॉल्फिन है वो नियर द सरफेस आके सांस लेती है ऊपर आके, ठीक है। पॉन्ड्स एंड लेक, इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, जो जड़े हैं वो थोड़ी कम छोटी होती हैं, रिड्यूस होता है उनका साइज, क्योंकि उनका जो मेन फंक्शन होता है वो सिर्फ इतना होता है कि पेड़ पौधों को जो है होल्ड करके रखना है। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग होलो एंड लाइट, जो स्टेम है तना है वो लंबा होता है, होलो होता है और लाइट होता है, ठीक है। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस वाइल द लीव्स एंड फ्लोर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वॉटर, जो जड़े हैं अगर आप उसको देखोगे तो पानी की सतह तक नीचे तक चली जा सकती हैं, लेकिन जो पत्ते हैं या फूल हैं तो वो सरफेस पे ही आपको फ्लोट होते हुए दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि कमल का फूल। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज इन वाटर, कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो टोटली पानी में ही डूबे हुए रहते हैं।
फ्रॉग्स यूजुअली हैव पॉन्ड्स एज देयर हैबिटेट. जो मेंढक है उसमें आपको तालाबों में मेंढक भी देखने को मिल सकते हैं. मेंढक बेसिकली एक ऐसा है जो पॉन्ड्स के इनसाइड भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है. तो दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प्स इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे. इनका जो अगर आपने किसी को शिकार करते हुए कभी देखा हो तो ये पीछे का जो इनकी लेग्स होती है वो इनके मदद करती है लीपिंग में, और ये आगे एकदम से झपक्का मार के जो है अपना शिकार कर लेते हैं. तो दे हैव वेब्ड फीट व्हिच हेल्प देम स्विम इन वाटर. इनके वेब्ड फीट होते हैं जो इनको पानी में तैरने में मदद करते हैं. तो लिविंग थिंग्स अराउंड अर्थ, इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नीड फूड एंड फूड फॉर ग्रोथ, फूड फॉर एनर्जी. All living things need food. Plants make their own food through the process of photosynthesis. सभी जो जीव जंतु हैं living things हैं क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं through the process of photosynthesis. Photosynthesis के through जा सारे पेड़ पौधे खाना बनाते हैं. Animals depends on the plant and other animals for their food. जो जीव जंतु हैं या तो वो पेड़ पौधों पर डिपेंड है या फिर और दूसरे पेड़ पौधों पर डिपेंड है जो और जीव जंतुओं पर डिपेंड है जो पेड़ पौधे खाते हैं. फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो. जो पौधे हैं वो ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं जो जरूरी है उनको ग्रो करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए. ऑर्गेनिजम्स आल्सो नीड दिस एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस. ऑर्गेनिजम्स को ये एनर्जी जो है ग्रोथ के लिए, इसके साथ साथ और भी लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनके लिए जरूरी होती है. ग्रोथ क्या होती है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ग्रोथ होता है. पेड़ पौधा भी आपको बढ़ता हुआ दिखा देता है, इंसान भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो ये क्या है? ग्रोथ है. रेस्पिरेशन, सांस लेना. तो ब्रीथिंग विन इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द बॉडी. इनहेल और एक्सहेल. इनहेल यानी कि सांस का अंदर लेना. जब एयर जो हवा है हम सांस के थ्रू अंदर लेते हैं हमारी बॉडी में. व्हेन वी ब्रेथ आउट, जब हम सांस छोड़ते हैं तो एयर जो होती है वो हमारी आउटसाइड जाती है हमारे शरीर से. तो इनहेल एंड एक्सहेल होता है ब्रेथिंग. सो ब्रेथिंग इज अ पार्ट प्रोसेस ऑफ कॉल्ड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, श्वसन क्रिया का एक पार्ट है. रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टाइमुली. जब कुछ एक्सटर्नल स्टाइमुली होती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस पर रिएक्ट करते हैं. चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टाइमुली. जो चेंजेस हमारी सराउंडिंग्स में जो हमें रेस्पॉन्ड करने के काबिल बनाते हैं वो क्या है? स्टाइमुली. लाइक मिमोसा होता है. अगर आपने टच मिनो छुई मुई पौधा अगर आपने सुना होगा तो अगर आप उसको टच करने जाते हो तो वो अपनी लीव्स पत्तियों को क्लोज कर लेता है, फोल्ड कर लेता है जब उसको कोई छूने की कोशिश करता है. तो ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम. जब अगर आप किसी भी इंसान को कुछ भी तरीके से जो है, इंसान भी अपने एक्सटर्नल स्टाइमुली पे रेस्पॉन्ड करता है. एक्सक्रीशन. आर बॉडी आल्सो प्रोवाइड सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दिस वेस्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एक्सक्रीशन. यानी कि जो वेस्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालना. रिप्रोडक्शन, जनन क्रिया. एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स. प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स. सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स और अदर दैन सीड्स. फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट ऑफ ए पोटैटो विद अ बर्ड ग्रोज इन टू न्यू प्लांट. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड ऑफ थ्रू रिप्रोडक्शन. क्या होता है कि जो जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं सब में जनन क्रिया होती है. पेड़ पौधे या बीज उत्पन्न करते हैं और बीज से फिर एक नया पौधा उगता है. इसी तरीके से जो जीव जंतु है या इंसान है उनके जैसे ही सिमिलर तरीके से उनका रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है. तो सबका अलग अलग रिप्रोडक्शन हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है. ठीक है, जैसे कि पोटैटो है, आलू. एक बर्ड होता है, आलू को आप कई दिनों के लिए छोड़ दो, उसमें से हरा हरा निकलना, अंकुरित वो सा होना शुरू हो जाएगा, उसमें बर्ड निकलनी शुरू हो जाएगी. थोड़े दिन और छोड़ दो, उसको मिट्टी में दबा दो, उसी से पेड़ बन जाता है. तो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड. ज्यादातर क्या होता है, अपने जैसे ही चीजें वो उत्पन्न करते हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, जनन क्रिया. मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो एक प्लेस से दूसरे स्थान पर मूव कर सकता है. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू वन अनदर. अलग अलग तरीके के जो मोड हैं ट्रांसपोर्ट के वो यूज किए जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए. सबसे पहले खोज हुई बोट्स की, यानी कि
बोट्स, हिंदी में आप क्या बोलते हैं उसको, बोट ही बोलते हैं शायद, तो नाव, नाव, नाव की पहले खोज हुई, उसके बाद आया व्हील यानी कि पहिया, इन्वेंशन हुई इसके बाद स्टीम इंजन की, और उसके बाद आए ऑटोमोबाइल यानी कि कार, बस। तो इस तरीके जो आप देख रहे हो ऑटोमोबाइल्स उसके बाद आए थे। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट मींस द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी, यानी कि कुछ अननोन क्वांटिटी है उसका आप कंपैरिजन कर रहे हो कुछ नोन क्वांटिटी के साथ, तो वो है मेजरमेंट यानी कि मापन। दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, जो फिक्स्ड नोन क्वांटिटी उसको हम बोलते हैं यूनिट। द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट, जो भी मेजरमेंट का रिजल्ट आता है बेसिकली दो पार्ट में एक्सप्रेस किया जाता है, एक होता है नंबर, दूसरा होता है यूनिट। जैसे कि 5 केजी पोटैटो, तो 5 क्या है नंबर, केजी क्या है यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एंसिएंट टाइम में क्या होता था, पीपल यूज लेंथ ऑफ ए फुट, द विड्थ ऑफ ए फिंगर, द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप बाय यूनिट एज ए मेजरमेंट। पहले लोग क्या करते थे, किसी भी पैर की लंबाई से या उंगलियों की लंबाई से या डिस्टेंस जो है कलमों से, तो वो माप की क्या करते थे, एक मेजरमेंट लेते थे। लेकिन इस मेजरमेंट से क्या होता था, दिस कॉज कंफ्यूजन एज ए नीड टू डेवलप ए यूनिफॉर्म सिस्टम। इससे कंफ्यूजन होता था, आप क्या छोटे हैं या मेरे हाथ बड़े हैं, तो उससे कंफ्यूजन होगा, आप बोलोगे ये एक बिलान है, मैं कहूंगी नहीं ये एक बिलान तीन उंगली, तो अलग अलग कंफ्यूजन होगा क्योंकि सबके जो हाथ का साइज है वो सेम नहीं होगा। इसी तरीके से सबके पैर का साइज सेम नहीं होगा, सबके कदम का साइज सेम नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, इससे कंफ्यूजन होगी। तो अब कुछ ऐसा सिस्टम लाने की जरूरत थी जो यूनिफॉर्म हो और सभी लोग उसको माने, तो वो सिस्टम का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि SI यूनिट। दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको एक्सेप्ट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार में SI यूनिट ही चलता है। तो SI यूनिट में अगर आप लेंथ मापोगे तो उसकी जो इकाई है वो क्या है, मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर, इस तरीके से। टाइप ऑफ मोशन, अब मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दिस टाइप ऑफ मोशन इसका रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करिए तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन द सेम। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करती है कि एक का जो सेंटर है वो फिक्स रहता है और उसी के चारों ओर सेम डिस्टेंस में मूव करती रहती है। तो अगर आप कोई भी कंपास रखे एक सर्कल बना तो क्या होता है, पॉइंट तो सेम रहता है, पॉइंट तो फिक्स रहता है, लेकिन आप उसके चारों ओर उतने ही दूरी पे जो है उसको सर्कुलेट करते हो, तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन। In some cases, an object or a part of its repeats its motion after a fixed interval of time. This type of motion is called periodic motion. अब periodic motion क्या होता है? कुछ object में पूरी की पूरी object या फिर part कुछ हिस्सा उस object का क्या होता है? Repeat करता है उसके motion को एक fixed interval time के लिए, तो उसको हम बोलते हैं periodic motion, जैसे कि घड़ी का pendulum. The ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward on the ground. Thus, the ball undergoes the rectilinear motion as well as rotational motion. अगर आप बॉल को ग्राउंड पे फेंकोगे तो क्या होगा, वो रोटेट करेगी एज वेल एज मूव करेगी डायरेक्शन पे, तो एक रेक्टिलियर मोशन भी होता है और रोटेशन यानी कि पीरियोडिक मोशन भी होगा। मोशन इज अ चेंज, मोशन क्या है बेसिकली, मोशन इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। द चेंज इन द पोजीशन कैन बी डिटरमाइन थ्रू डिस्टेंस मेजर, कि कोई चीज एक समय पे कहां थी, दूसरे समय पे कहां है, कितने डिस्टेंस में है, तो इस तरीके से आप उसकी डिस्टेंस को माप कर सकते हो टाइम के थ्रू। तो ये क्या है बेसिकली, मोशन है। चैप्टर नंबर 11, लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। लाइट, लाइट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट्स, लाइट के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बेसिकली, ड्यूअल नेचर होता है लाइट का, या तो पार्टिकल होगी या फिर वेव होगी। रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, लाइट हमें स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन।
ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव्स आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि सन है जो अपने खुद की एनर्जी को एमिट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. ओपेक जिसमें से लाइट पास ना हो, ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट पास हो हमें दूसरी साइड का बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, ट्रांसलूसेंट जिसमें से हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता, पार्शली दिखाई देता है, वो क्या है? ट्रांसलूसेंट. अब शेडो क्या होती है? शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड. ठीक है, आप कोई लाइट जा रही है बिल्कुल सीधे, अब वो लाइट जहां पर जा रही है लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज आ गई कि लाइट का पाथ रुक गया, तो अब दूसरी साइड उसका क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट की शैडो बन जाएगी, छाया बन जाएगी. तो शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन ए स्क्रीन. शैडो को आप एक स्क्रीन पर ही देख सकते हो, ये ऐसा नहीं कि कहीं पर भी देख सकते हो, एक पूरा प्रॉपर उसको सरफेस चाहिए होता है देखने के लिए. मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन, यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर व्हिच यू यूज एट अ होम. जब आप घर पर शीशा देखते हो तो क्या देखते हो? सामने अपना चेहरा दिखाई देता है आईने में, तो क्या है वो? आपके चेहरे का रिफ्लेक्शन है. ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. मिरर क्या करता है? जो लाइट उस पर पड़ती है उसकी डायरेक्शन को बदल देता है. ये था हमारा चैप्टर नंबर 11. अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल आप सबने देखा होगा, यूज भी करते हैं टीवी के रिमोट में, एसी के रिमोट में, तो अलग अलग तरीके से. तो इलेक्ट्रिक सेल्स क्या है? बेसिकली सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का. तो इट हैज अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड ए मेटल डिस्क ऑन दी अदर साइड. एक साइड पर आप देखोगे तो कैप सी बनी होती है, दूसरी साइड पे मेटल डिस्क होती है. तो जो मेटल कैप वाला हिस्सा होता है वो होता है पॉजिटिव, और जो दूसरा मेटल डिस्क वाला हिस्सा होता है वो होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल. तो यूज्ड इन ए अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉच, ट्रांजिस्टर, रेडियोज, कैमराज और मैनी अदर डिवाइसेस. क्या करता है बेसिकली? ये इलेक्ट्रिक सेल्स कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को, सॉरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में. अब बात करते हैं बल्ब की. इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? फिलामेंट होता है. ये आप अंदर देख सकते हैं पार्ट, ये क्या है? फिलामेंट है. इसमें एक थिन वायर होती है दैट गिव्स ऑफ लाइट. इस थिन वायर में ही लाइट आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट. ये किसका बना होता है? टंगस्टन का. दैट इज कनेक्टेड टू टर्मिनल. अब ये जो फिलामेंट है वो टर्मिनल से कनेक्ट होता है. फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स. दो वायर होती है इसके साथ, विच आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट इट. वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब एंड द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप ऑफ द सेंटर ऑफ द बेस. तो एक तो यहां सेंटर में टच होती है और एक बेस में टच होती है. ठीक है, इट ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट. जब करंट पास होता है तो ये जलती है. अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर कैप बनी होती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये इलेक्ट्रिक सेल का नेगेटिव टर्मिनल. अगर आप ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, तो अगर आप इसमें ऐसे वायर जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, आपको बल्ब का पता चल गया, तो अगर आप पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब जो है जल उठेगा. किसी भी सर्किट क्लोज या ओपन सर्किट क्या होता है? जब करंट जो है पूरी तरीके से एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो करे, लेकिन अगर बीच में कोई हिंड्रेंस आ जाती है तो वो क्या है? हमारा ओपन सर्किट. अगर फ्लो ऑफ जो करंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है पाथ. तो इलेक्ट्रिक सर्किट, टू मटेरियल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब सच एज अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. जैसे कि ऊपर एग्जांपल में दिखाया गया था कि बल्ब के टू टर्मिनल्स सेल के टू टर्मिनल्स के साथ अटैच है, तो ये एग्जांपल किसका था? इलेक्ट्रिक सर्किट का. इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव. जो डायरेक्शन है करंट हमेशा कहां चलता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर. तो क्लोज सर्किट क्या होगा? द इलेक्ट्रिक करंट पासिस फ्रॉम वन टर्मिनल टू द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल. एक टर्मिनल से सेल के दूसरे टर्मिनल तक अगर करंट पास हो रहा है तो ये क्या है? क्लोज्ड सर्किट. ओपन अगर नहीं पास हो रहे तो. स्विच क्या है? ए स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ऑब्वे और
कंप्लीटली इलेक्ट्रिक सर्किट। स्विच एक डिवाइस होता है जिससे आप या तो इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हो या फिर ओपन यानी कि ब्रेक कर सकते हो करंट को या फिर पूरा नहीं दे सकते हो। और फ्यूज क्या होता है, फ्यूज इज ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट, करंट के पाथ में ब्रेक लगाने के लिए क्या होता है, फ्यूज होता है। कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जो मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक करंट, जो मटेरियल्स जिसमें से जो क्या करें अलाउ करें इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए, वो क्या है, कंडक्टर है। इंसान क्या है, कंडक्टर है। और बॉडी क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तभी तो हमें करंट लगता है, हमारे एक एंड से दूसरे एंड तक करंट पहुंच जाता है, अगर कोई फिर हमें और टच करता है तो उसमें भी करंट आ जाता है, तो हम क्या है, कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हमें से पास हो जाता है। और वो मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो उसको कहते हैं इंसुलेटर, जैसे कि वुड, लकड़ी, इसीलिए तो हम बोलते हैं जब भी कोई स्विच का काम करो तो लकड़ी रख लो ताकि अर्थिंग ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है फन विद मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के साथ फन। तो मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट क्या करती है, बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, आकर्षित करती है। और मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से हैं, जैसे कि आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, तो ये सब क्या है, आयरन, आयरन की कुछ फॉर्म्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ परसेंट आयरन होता है। मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट्स आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। वो मटेरियल जो अट्रैक्टेड नहीं होते हैं मटेरियल की मैग्नेट्स की तरफ, उनको क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक रॉक्स कंटेन आयरन एंड नेचुरल मैग्नेट। मैग्नेटाइट रॉक आपने सुना होगा, तो उसमें आयरन के कण होते हैं, तो वो एक नेचुरल मैग्नेट है। The process of making magnets from piece of iron known as artificial magnet. तो एक process भी है जिससे आप क्या करते हो, iron से basically magnet बनाते हो, जो वो iron से आप खुद जो बनाते हो magnet, उसको क्या बोलते हैं, artificial magnets. मैग्नेट क्या होती है, ईच मैग्नेट हैज टू मैग्नेटिक पोल, हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल या नॉर्थ सीकिंग पोल, यानी कि जो नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर रुकता है, साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल जो साउथ डायरेक्शन में रहता है। अगर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। ए डिवाइस वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट। एक डिवाइस भी इसकी जो बेस्ड प्रॉपर्टी है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी से एक डिवाइस भी बनाया जाता है, इसका नाम क्या है, कंपास, दिशा सूचक, जिससे आप दिशा की जानकारी लेते हो। कंपास क्या है, कंपास इज यूजली स्मॉल बॉक्स विद ए ग्लास कवर ऑन इट। एक स्मॉल बॉक्स होता है जिसके ऊपर ग्लास कवर होता है। इट्स नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट। और जब आप इसको एक जगह पे रख देते हो तो इसकी नीडल भी क्या होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को रेस्ट कर लेती है। अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। अपोजिट अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर सिमिलर रिपेल करते हैं। तो यानी कि अगर नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ को आप इकट्ठा रखोगे तो वो आपस में अट्रैक्ट होंगे, और अगर आप नॉर्थ नॉर्थ को और साउथ साउथ को साथ रखोगे तो वो रिपेल होंगे, ठीक है, एक दूसरे को मतलब धकेलते हैं, रिपेल होना, अट्रैक्ट होना, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी। अब मैग्नेट की भी प्रॉपर्टीज हैं जो लूज भी हो सकती है, अगर आप उसको मैग्नेट को हीट कर दो, मैग्नेट को आप हथौड़ा लेके तोड़ने लगे तो भी उसकी प्रॉपर्टी लूज हो जाएंगी, या आप बहुत ही ऊंचाई से उसको एकदम से गिरा दो, ठीक है, तो भी हो जाएंगी। अगर आप मैग्नेट को अच्छी तरह से संभाल के नहीं रखते हो तो भी वो वीक हो जाती है। अब मैग्नेटिक मोनोपोल्स है, यानी कि मैग्नेटिक के दो पोल होते हैं, तो अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन जहां पर है या नॉर्थ पोल है, नॉर्थ सीकिंग पोल जो है मैग्नेट का, वहां से अगर आप मैग्नेट को काटने की कोशिश करो और सोचो कि आपके पास कोई ऐसी मैग्नेट आ जाएगी जो नॉर्थ नॉर्थ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप मैग्नेट को हाफ भी काटोगे तो हमेशा दो पोल आएंगे, एक पोल होगा नॉर्थ पोल और एक पोल होगा साउथ पोल, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ हमारे चैप्टर 13 कंप्लीट हुए। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 14 की। टू थर्ड ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। हमारी धरती का दो तिहाई हिस्सा पानी से कवर है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशियंस एंड सी। और जो ज्यादा से ज्यादा इसका जो पानी का हिस्सा है वो कहां है, ओशियंस में है, सागर में है, समुद्रों में है।
तो ज्यादा हिस्सा पीने लायक नहीं है, क्योंकि समुद्रों में क्या होता, पानी खारा पानी है, पीने योग्य नहीं है। द वॉटर इन द ओशियंस एंड सीज हैज मैनी सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट, जो समुद्र में पानी है उसमें नमक घुला हुआ होता है, खारा पानी होता है, वाटर इज सैलीन। सो इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल यूज, आप उसको खेती में भी यूज नहीं कर सकते, पीने लायक भी है नहीं है, घरेलू यूज में भी नहीं ला सकते, और उसके साथ साथ आप उसको जो इंडस्ट्रियल में भी यूज नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल सबने सुना होगा, आई होप आप सबको होगी वाटर साइकिल। तो फर्स्ट प्रोसेस होता है इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियन रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स, द फील्ड्स एंड अदर लैंड ग्रासेस एरियाज आल्सो रिसीव सनलाइट। एज अ रिजल्ट वाटर लूज ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूअसली चेंजेस इन वाटर। तो क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश जहां पर भी पानी है वहां पर गिरेगा तो पानी गर्म होगा, गर्म होने के कारण क्या होगा, पानी भाप में बदलेगा, और ये क्या है, प्रोसेस इवेपोरेशन है। तो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ऑल ओपन सर्फेसेस ऑफ वाटर, जहां जहां पे पानी खुला होता है वहां वहां पे इवेपोरेशन होता है। एज ए रिजल्ट वाटर वेपर गेट कंटिन्यूसली एडेड टू द वाटर, और इससे क्या होता है कि जो पानी है वो कंटिन्यूसली हवा में एड होता रहता है। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज ए स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस है ये। वाटर वेपर्स एंटर्स इनटू द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या था कि जब पेड़ की पत्तियों से जब पानी इवेपोरेट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। फिर उसके बाद क्लाउड्स बनेंगे, हावर क्लाउड्स फॉर्म्स व्हेन एयर मूव्स अप, इट गेट्स कूलर एंड कूलर। जब हवा जो है ऊपर उठेगी और वो ठंडी 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 पर ठंडी होती जाएगी, बट सफिशियंट हाइट, एक ऊंचाई पर द एयर बिकम सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। तो जब वो ऊपर उठती जाएगी एक ऊंचाई पर, ऐसा हो जाएगा कि जो वाटर के जो वाष्प है वो क्या हो जाएगा, छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट्स। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था कंडेंस की, पानी आप गर्म करते हो तो ढक्कन पर छोटी छोटी बूंदे आ जाती है, सेम उसी तरीके से। It is these tiny droplets that remain floating in air and appear as to as cloud. ये जो छोटी छोटी बूंदे हैं अपीयर होती हैं पानी में तो एक झुंड बना लेती हैं जो कि क्लाउड बनने शुरू हो जाते हैं। It so happens that many droplets of water come together to form large size drop of water. ऐसा लगता है कि क्या होता है, छोटी छोटी जो बूंदे हैं वो आपस में आ जाती हैं और बहुत बड़ी साइज की ड्रॉप बना लेती हैं। तो some drops of water become so heavy that they begin to fall. These falling water drops are called rain. और कुछ बूंदे, पानी की बूंदे इतनी हैवी हो जाती हैं कि वो गिरना शुरू हो जाती हैं, और जो इन गिरती हुई बूंदों को हम क्या बोलते हैं, रेन यानी कि वर्षा। So waste in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration. फिर ये water जो form में vapor की form में जाता है वापिस से कैसे evaporate होके या फिर transpiration होके, forms clouds and then come back to ground and sea. तो ये process चलता रहता है कि evaporation होगा, transpiration होगा, फिर वही पानी दोबारा से ground पे आएगा rain की form में, hail की form में, snow की form में। अब ये पानी back to oceans कैसे जाएगा या ग्राउंड वाटर में कैसे जाएगा, तो स्नो इन द माउंटेन मेल्ट्स इनटू द वाटर। जो स्नो है माउंटेन्स पे जो गिरेगी या आपकी बर्फबारी हुई तो वो क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी पानी में। द वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर, जो पहाड़ों से जो पानी पिघलेगा वो कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड, कुछ पानी जब बारिश होगी तो धरती पे भी गिरेगा। आल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम, तो कुछ रिवर में भी जाएगा। A part of the rainwater gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil. और जब बारिश आती है तो आप देखोगे तो कुछ देर तक क्या होता है कि जब धरती पर गिरती है तो पानी की बूंदें सोख लेती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ही धरती पर बूंदें गिरी और एकदम से disappear हो गए। तो सम ऑफ द वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, तो कुछ ग्राउंड वाटर में चला गया और माउंटेन से ओशन में चला गया, सीज में चला गया, तो वापिस से यहाँ से फिर वही इवेपोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, जो ग्राउंड में गया है पानी वो भी हमें ग्राउंड वाटर के रूप में मिल जाता है। तो ग्राउंड वाटर क्या है, बेसिकली सोर्स है मेनी लेक्स का भी। तो वाटर ड्रॉन यूजिंग ट्यूबर्स, हैंडपंप्स, इनसे हम क्या निकालते हैं, फिर ग्राउंड वाटर को निकालने में मदद करते हैं। तो वाटर फ्रॉम द ओशन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू वाटर एज वेपर, रिटर्न्स एज रेन, रनस फ्रॉम फाइनली गोज टू ओशन। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज नोन एज द वाटर साइकिल, ये
प्रोसेस है। इस एग्जांपल से हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे जो समुद्र में पानी है यहाँ से क्या हुआ, इवेपोरेशन। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ से इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशन से होगा। और ठीक है, ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन होने से यहाँ पे इस तरीके से छोटी छोटी बूंदे बनेंगी, कंडेंस होंगी, फिर वापस में थोड़ा बड़ा बड़ा इस तरीके से पूरा बड़ा बादल बना लेती हैं और ये इतनी हैवी हो जाती है कि यहाँ पे नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो एक तो ये सरफेस पे गिरी तो यहाँ पे लेक में भी आ गई है और कुछ हमारे ग्राउंड वाटर में भी चली गई। पेड़ पौधे पे यहाँ पे माउंटेन्स पे गिरी तो माउंटेन्स जब बर्फ यहाँ पर पिघल के ये वापस से समुद्र में पानी आ गया। तो इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलता रहेगा। फ्लड क्या होती है, हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स। द वाटर मे देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड इनटू इनंडेशन ऑफ लैंड बाय वाटर। क्या होगा, जब ज्यादा से ज्यादा बारिश होगी तो पानी का लेवल जो है रिवर्स में भी बढ़ जाएगा, लेक्स में भी बढ़ जाएगा, पॉन्ड्स में भी बन जाएगा और जो स्प्रेड हो जाएगा बाकी लार्ज एरिया में। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाढ़, जब पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है। इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्रॉप फील्ड यानी कि खेत की जो फसलें हैं वो, जंगल, गांव और जो शहर है, शहर पूरे के पूरे सबमर्ज हो जाते हैं। तो एक तो ये रीजन ये होता है कि एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है। इसके अलावा पुअर टाउन प्लानिंग भी हो सकती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर भी चेन्नई में बाढ़ आई थी। ड्रॉट, सूखा। द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। जो हमारी मिट्टी है उसमें तो वाटर में इवेपोरेशन होता रहता है, ट्रांसपिरेशन होता रहता है, तो पानी तो कम होता रहता है। सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन द सॉइल बिकम्स ड्राई। अगर रेन नहीं हुई, बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, जो जमीन है वो सूखी हो जाएगी। लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स एंड वेल ऑफ द रीजन गोज डाउन। जो समुद्र में पानी है, नहरों में पानी है, उनका लेवल भी नीचे चला जाएगा। सम ऑफ देम इवन मे ड्राई अप। कुछ तो ऐसी होती हैं जो मौसमी होती है जिसमें पानी वैसे ही थोड़ा रहता है, तो कुछ दे इवन सूख भी सकती हैं। ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कायर। तो ग्राउंड में भी वाटर नहीं जाएगा, ग्राउंड वाटर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी कंडीशन क्या होंगी, ड्रॉट यानी कि सूखे की कंडीशन होंगी। सबसे पहले मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट यानी कि ड्राई, वेदर ही ड्राई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, फिर पानी में भी सूखा आ जाएगा। पानी नहीं होगा तो फिर एग्रीकल्चर कहां से होगा अच्छे से, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा, सॉइल में भी पानी नहीं है, सिंचाई करने के लिए भी पानी नहीं है, तो फिर एग्रीकल्चर सूखा आ जाएगा। अब इसके जो तरीका है उसको कैसे बचा जा सकता है, तो वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो वे हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर द लेटर यूज। जो इंक्रीजिंग है कि आप वाटर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर पाए, इसका तरीका यह है कि आप जो वर्षा का पानी है उसको आप स्टोर करें और उसको आप बाद में यूज कर सकते हैं। तो कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस तरीके से पानी को इकट्ठा करने को हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। बेसिक आइडिया क्या है रेन वाटर का, कि जहां पे भी पानी गिर रहा है आप उसको कैच करो और उसको हार्वेस्ट करो, मतलब सेव करो और फिर इसको यूज करो। तो इसका तरीका है कि पहले रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू ए स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स। दिस वाटर मे कंटेन सोइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज यूज्ड। Instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into a pit in the ground. This then steep into soil to recharge or refill the groundwater. इस सिस्टम में क्या होगा कि आप वर्षा के पानी को अपनी छत पर इकट्ठा करते हैं स्टोरेज टैंक में और थ्रू पाइप आप उसको अपने कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन पानी क्या होगा कि पानी में मिट्टी होती है तो वो यूज करने के लिए लायक नहीं होता है, उसको आपको पहले फिल्टर करना होता है पीने योग्य बनाने के लिए। तो आप इसके बजाय ये भी कर सकते हो कि जब आप पानी को इकट्ठा करते हो टैंक में तो आप पाइप लगा सकते हो और एक ऐसे जमीन के गड्ढे में खोद सकते हो जहां से वो पानी ग्राउंड वाटर में तब्दील हो जाएगा। तो एक ग्राउंड वाटर लेवल को आप इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गेट इन टू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स एंड द क्लिक ड्रेन वाटर्स। ठीक है, जो रोड साइड वाटर है उसको ही आप डायरेक्टली ग्राउंड वाटर में भी तब्दील कर सकते हो। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 14। अब हमारा शायद ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 15, एयर अराउंड अस। एयर इज फाउंड एवरीवेयर। हवा हर जगह मिलती है, खाली बोतल में हवा है, खाली बर्तन में, हर जगह, कमरे में, बाहर, सब जगह हवा मिलती है। वी कैन नॉट सी एयर,
सब जगह है लेकिन फिर भी हम उसको देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। एयर इन मोशन, जब एयर मोशन में होती है तो हम उसको बोलते हैं विंड, यानी कि जब हम एक्चुअली फील करते हैं हवा चल रही है, तो दैट क्या है, एयर मोशन में है, ठीक है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर स्पेस भी लेती है, ठीक है। इट हैज नो कलर, कोई कलर नहीं होता, अगर कोई कलर होता तो हमें दिख जाती कि हवा है, कोई कलर नहीं होता तो ये ट्रांसपेरेंट है, हम देख सकते हैं चारों तरफ जो जैसा है वैसा ही हमें दिखता है, ट्रांसपेरेंट है ये। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, यह कोई एक सिंगल गैस नहीं है, ये काफी गैसों का एक मिक्सचर है। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सोइल, पानी में है, जमीन पे है, तो हवा हर जगह है, हवा हूं मैं, हवा हर जगह है, ठीक है। व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, तो एयर बनी किस चीज से है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड फ्यू अदर गैसेस। तो एयर जो है गैसेस से बनी है, नाइट्रोजन है इसमें, ऑक्सीजन है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स भी हैं, फ्यू अदर गैसेस भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो द एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फियर, जो एयर की परत, जो वायु की परत हमारी धरती को चारों तरफ से घेरे हुए है, उसको हम बोलते हैं वातावरण, एटमॉस्फियर। तो ऑक्सीजन आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है 78.1, बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, आर्गन और अदर गैसेस हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में है, आपको लगता है कि हम ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में है, तो आप क्वेश्चन को गलत कर देते हो, लेकिन है क्या कि नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा मात्रा में है। तो ये गैसेस का कंपोजिशन आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आप देखते हैं वाटर वेपर्स, वाटर इवापोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर्स, वाटर का वाष्पीकरण होता है तो वाष्प बन जाता है, वाटर वेपर्स बन जाते हैं। वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, यानी कि लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड चलता रहता है। वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ एयर है, ये नहीं है कि हमेशा सेम ही होगा, ये वेरिएबल कंपोनेंट है कि घटता बढ़ता रहता है हवा में। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑक्सीजन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमें, हम इससे क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, वो क्या होता है, ऑक्सीजन। बर्निंग कैन ऑकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपको आग जलानी है तो आग भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो जल सकती है। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, नाइट्रोजन जो जलने में सहायक नहीं होती है। इट टेक्स अप नियरली फोर्थ फिफ्थ ऑफ दी स्पेसेस दैट एयर फिल्स, जो एयर है उसका 4/5 हिस्सा क्या है, नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, एसेंशियल फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन हाउस गैस, इसको आप ग्रीन हाउस गैस भी बोल सकते हो। जब ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो क्या हो जाता है, पूरा क्लाइमेट गर्म हो जाता है, वातावरण गर्म हो जाता है, किसी भी एरिया, अगर आप बंद कमरे में हो वहां पर आप आग जलाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड फिर मोनोऑक्साइड गैस, तो वहां पर आपको गर्म हो जाता है, ग्रीन हाउस गैस है। एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण में जरूरी है, पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं, तो वो भी जरूरी है, ग्रीन हाउस में भी हम इसको यूज करते हैं। डस्ट एंड स्मोक, द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक, अगर आप किसी भी ईंधन को जलाओगे तो क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। स्मोक कंटेन्स ए फ्यू गैसेस दैट फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इट्स ऑल्सो हार्मफुल, ये बहुत ही हानिकारक होता है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होती हैं और कुछ गैसेस भी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्मोक इन दिल्ली, आप देख सकते हैं आपको प्रदूषण हमेशा देखने को मिलता ही है, अब इसको बड़ा टाइम लग जाएगा सुधरने में, क्योंकि 2-3 साल से तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पर, जो एक एक्सट्रीम था इस साल। तो द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो प्रेजेंस है डस्ट पार्टिकल की एयर में वो डिपेंड करती है कि एरिया टू एरिया कितना है, प्लेस टू प्लेस में और टाइम टू टाइम भी। We inhale air while we breathe out our nostril. जब हम सांस लेते हैं तो हम एयर को इनहेल करते हैं, अपने शरीर के अंदर खींचते हैं। Fine hairs and muscles are present inside the nose to prevent dust particles from getting into respiratory system. जो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं वो हमारी मदद करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में डस्ट पार्टिकल जो है वो ना जाए। How does oxygen become available to animals and plants living in water and soil? क्या आपने कभी सोचा है कि जो पेड़ पौधे पानी में रहते हैं, जमीन में रहते हैं, उनको मिलती कैसे है ये ऑक्सीजन? तो द एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, तो जो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को यूज करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ
ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु डिपेंड करते हैं कि एक दूसरे से क्या होता है, एक्सचेंज होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो एक्सचेंज करने में मदद होती है एयर में। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सोइल आल्सो नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर, दे गेट इट थ्रू एयर। जो जमीन में पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे लेते हैं ऑक्सीजन, एयर से लेते हैं, हवा से लेते हैं। बरोज एंड होल्स आर फॉर्म्ड इन डीप सोइल बाय एनिमल्स लिविंग इन सोइल। कुछ जीव जंतु जो जमीन में रहते हैं वो क्या करते हैं, होल्स बना देते हैं मिट्टी में। सो दीज बरोज आल्सो मेक स्पेसेस अवेलेबल फ्रॉम एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सोइल। जब जगह मिल जाएगी तो हवा वहां से पास होती रहती है, मूव इन और मूव आउट होती रहती है, तो यहाँ से इनको मिल जाती है हवा। लेकिन जब बारिश होती है तो ये जो जो इन्होंने होल्स बनाए होते हैं, जो छिद्र बनाए होते हैं, ढक जाते हैं क्योंकि एयर कंप्रेस हो जाती है, जो सोयल है वो कंप्रेस हो जाती है। तो व्हेन इट रेन हैवीली वाटर फिल्स अप ऑल दी स्पेसेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द सोयल। तो वहां पे जहां जहां पे हवा था वहां क्या घुस जाएगा, पानी आ जाएगा, जहां पे अगर बारिश हुई तो, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन में क्या होता है, जो एनिमल जो मिट्टी में रहते हैं वो भी बाहर आते हैं सांस लेने के लिए। इसीलिए कुछ जीव जंतु जो सिर्फ आप बारिश के मौसम में देखते हैं शायद इसीलिए बाहर आते हैं, जैसे कि केचुआ। केचुआ का आप बारिश के बाद ही देखते हो, वरना वो तब तक क्या रहता है, मिट्टी में रहता है, मिट्टी में चेन बनाता है, वहां से हवा आती है और वहां से वो ऑक्सीजन लेके अपना काम चला लेता है। विंड एनर्जी क्या होती है, पवन ऊर्जा। विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट, हवा जो एयर इन मोशन, तो हवा से क्या होता है, विंड मिल रोटेट होता है, जो पवन चक्की की जो ब्लेड्स होते हैं वो रोटेट होते हैं, घूमते हैं। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। जो विंड मिल है पवन ऊर्जा से हम ट्यूबवेल्स चलाने में मदद करती है, क्योंकि ट्यूबवेल से हम फिर पानी निकालते हैं उसमें हमारी मदद होती है, और फ्लोर मिल्स में जो आटे की मिल्स चलती हैं उसमें भी यूज होता है। विंड मिल्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, पवन ऊर्जा से हम जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ शेलिंग यचेस ग्लिडर्स पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स में एयर यूज होती है, ठीक है। बर्ड्स बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, जो पक्षी हैं वो भी तभी उड़ पाते हैं कि जब एयर प्रेजेंट होती है। एयर आल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर्स फॉर सेवरल प्लांट्स। जब हवा आती है तभी जो पेड़ पौधे में जिसमें बीज लग जाते हैं, हवा आती है तो नीचे गिरते हैं, फिर नए पौधे उगते हैं, तो ये पोलन के लिए भी हवा जो है इंपॉर्टेंट होती है। एयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एयर का रोल, तो आपको पता चल गया एयर कितनी इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का डिस्पोजल आप कैसे करते हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन अर्बन एरिया इज अ सीरियस प्रॉब्लम, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अर्बन एरिया में एक सीरियस प्रॉब्लम है। मिसमैनेजमेंट होता है लैंड लिप्स का, ई वेस्ट होता है, स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया है इसके लिए। तो डीलिंग विद गार्बेज, गार्बेज के लिए आप ट्रीटमेंट या डिस्पोजल कैसे करते हो गार्बेज का, ओपन डम्प्स, अनकवर्ड एरियाज को हम यूज करते हैं, जहां पे हम सॉलिड वेस्ट को डंप कर लेते हैं। काफी इसमें आपने देखा होगा जहां पे कूड़ों के ढेरी लगे होते हैं, तो वो ओपन डम्प्स है बेसिकली। लैंडफिल्स, तो पिट इज डग इन द ग्राउंड एंड सोइल इज एडेड ओवर लेयर ऑफ गार्बेज एंड सीड। कई बार जब आपको खाद बनाना होता है, सपोज आपने सूखे पेड़ पौधों को लिया, एक कंपोजिट बॉक्स बना, इसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल दी, तो वो क्या होता है, तो इस तरीके का भी लैंडफिल्स बोलते हो कि जिसमें आपने गड्ढा खोदा, वहां पे आपने कूड़ा कचरा डाला और उसके ऊपर आपने मिट्टी डाल दी, तो लैंडफिल्स। सैनिटरी लैंडफिल्स, सो ये मोर हाइजेनिक करने होते हैं, बॉर्डर्स लाइंड होती है विद मटेरियल्स दैट आर इंप्रीमेबल, ठीक है। इंसुलेशन प्लांट, बर्निंग वेस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर वेस्ट को बर्न कर देते हैं। पायरोलिसिस, प्रोसेस ऑफ कंबशन ऑन दी अब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो पायरोलिसिस क्या होता है, बेसिकली कंबशन, दहन करना बेसिकली, या तो बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन या बिल्कुल ही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं हो वहां पे। कंपोजिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी बैक्टीरिया डीकम्पोजेस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनाइज वेस्ट इनटू ह्यूमस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंपोजिट करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, जैसे कि फंगी है, बैक्टीरिया है, तो ये क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को हम्स में ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। वर्मी कंपोस्टिंग, अर्थ वार्मिंग फार्मिंग केचुए से जो हम कराते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ओपन डम्प्स हमने बात करी ली है। टू काइंड्स ऑफ गार्बेज है बेसिकली जो हम यूज करते हैं, वन एक ब्लू कलर का हम यूज करते हैं और एक ग्रीन कलर का। तो ब्लू कलर का जो डस्टबिन हम यूज करते हैं उसका मतलब होता है कि उसमें वो वाला मेटीरियल डालना है जो दोबारा से यूज हो सकता है, जैसे कि प्लास्टिक है, मेटल है, ग्लास है,
ठीक है। और ग्रीन बीन्स में हम वो वाली चीजें इकट्ठी करते हैं जो दोबारा यूज नहीं हो सकती और जो बेसिकली जैविक आप बोल सकते हो, कलेक्टिंग किचन के लिए अदर प्लांट्स वेस्ट है, कोई एनिमल वेस्ट है, तो इस तरीके की चीजें आप कहां पर कलेक्ट करते हो, ग्रीन बीन्स में। अब हम प्लास्टिक बैग यूज करते हैं, बोलते हैं हम प्लास्टिक बंद करो, प्लास्टिक बंद, उससे बुराइयां क्या है, इविल्स क्या है प्लास्टिक बैग्स की, चौक्स ड्रेन सीवेज सिस्टम, आप सीवेज सिस्टम है आपका जो ड्रेन सिस्टम है वो चौक हो जाता है, वो बंद हो जाता है, डिग्रेडेशन प्रोसेस इज स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, जो प्लास्टिक बैग्स को डिग्रेड करने में टाइम लगता है बहुत बहुत ज्यादा है, 5,000 या 500 साल से भी ज्यादा, ठीक है। बर्निंग प्लास्टिक बैग्स इज वेरी हार्मफुल, अगर आप उसको बर्न करते हो तो उसमें से जहरीली गैसें निकलती हैं, वो बहुत हार्मफुल है। एनिमल्स कंज्यूमिंग प्लास्टिक बैग डाई ऑफ को चॉकिंग, जो आप समुद्र में है वहां फेंक देते हो, वहां पे भी जीव जंतु को परेशानी होती है, कोई गाय भैंस जो बाहर घूमते रहते हैं वो अगर प्लास्टिक बैग खा लेते हैं उनकी हत्या तक हो जाती है चॉकिंग के कारण। तो काफी सारी बुराई है कि हमें प्लास्टिक बैग यूज नहीं करना चाहिए। अब आप प्लास्टिक बैग यूज नहीं करेंगे तो आप गार्बेज से कैसे डील करोगे बाकी चीजें, तो मेक मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, रीयूज वेरेवर पॉसिबल, अच्छी क्वालिटी का अगर आपके पास बैग है आप उसको जितना हो सके उतना आप उसको रीयूज करें, पेपर बैग यूज करें, जूट बैग्स यूज करें, कोई कपड़ों से बना हुआ बैग यूज करें जो आप घर पर बना सकते हैं वो यूज करें आप। अवॉइड थ्रोइंग प्लास्टिक बैग रैंडमली, प्लास्टिक बैग को ऐसे रैंडमली नहीं फेंके, कहीं घूमने गए हैं वहां पे फेंक दिया, पहाड़ों पे गए वहां पे फेंक दिया, किसी पहाड़ी पे कोई नहीं देख रहा मुझे, चलो यहाँ पे फेंक देता हूँ मैं या यहाँ पे फेंक देती हूँ मैं, समुन्द्र में फेंक दिया, तो प्लास्टिक बैग्स को आप इधर उधर कहीं पे भी रैंडमली नहीं फेंकेंगे, क्योंकि आप तो बस ये देख लेते हो कि यार चलना कोई नहीं देख रहा फेंक देते हैं, लेकिन बाद में वो किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी उसको जीव जंतु उसको खा सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेवर बर्न प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग को कभी भी बर्न मत करो, क्योंकि जलाओगे तो जहरीली गैसें निकलेंगी जो हार्मफुल होती हैं, तो नेवर बर्न। वर्मी कंपोस्टिंग एट होम टू डील विद किचन वेस्ट, किचन वेस्ट से आप वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हो, केचुए से, चाय की पत्ती को हम पौधों में यूज कर सकते हैं, या जो सूखी बाद में पौधों की जो सूखी पत्ती हो जाती है उससे हम खाद बना सकते हैं, तो इस तरीके की चीजें हमें यूज करनी चाहिए। रिसाइकिल पेपर, पेपर को भी आप रिसाइकिल करो, जितना भी मिनिमम यूज है, अगर आपका काम चल रहा है पेपर को यूज किए बिना तो वैसे ही करो। अवेयरनेस जनरेशन, अवेयरनेस फैलाओ, अवेयरनेस जितना भी हो सके कि हम जैसे स्वच्छ भारत अभियान है या प्लास्टिक बंद करो वो हम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अवेयरनेस आपको फैलानी चाहिए, जगह जगह नहीं पता है उनके आपको बताना चाहिए। प्रॉपर कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन भी प्रॉपर तरीके से हो, वो ले जाए भी प्रॉपर तरीके से जाए, और उसको जो भी डिग्रेड करना है तो अच्छे तरीके से किया जाए प्रॉपर फॉर्म में। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लैंड लिफ्ट, जो लैंड लिफ्ट आपने बनाए उसका मैनेजमेंट आप प्रॉपर फॉर्म में करो, तो ये कुछ बातें हैं जो हम ध्यान रख सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक सुनने के लिए, इसके साथ हमारी ये क्लास 6 के एनसीईआरटी के समरी कंप्लीट होती है, आगे भी हम इसी तरीके की समरी लेकर आएंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं कि आप एक ही वीडियो में देखना पसंद करेंगे, चैप्टर वाइज देखना पसंद करेंगे, लाइव लेक्चर में आप पसंद करेंगे, या पार्ट्स 2-3 में आप पसंद करेंगे, किसी भी तरीके से जो भी आपके सजेशन हो कुछ भी तरीके का, तो आप मुझे सजेशन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इतनी दूर तक आ गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।